subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ये वर्ल्ड कप जीत के आया है कि पंचायत का इलेक्शन जीत के आया भाई? अरे नहीं नहीं मास्टर जी, हैं तो फिर है कौन? ओ तेरी, ये तो अपना बल्लू है मास्टर जी। कौन बल्लू यार? वही परविंदर कौर दा पुत्तर मास्टर जी। मगर ये इस तरह से बल्लू को भेज कहाँ रहे हैं? मुंबई है? फेमस होने के लिए। अच्छा, ताकि बल्लू का नाम बल्लू से बलविंदर सिंह हो जाए, ये खबर पूरे डगरू में फैल चुकी है मास्टर जी। आहो बल्ले 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 बल्ले। ओए रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ओ थल्ले करो थल्ले, रुको रुको, ओए डोली इत्थे रखो, मुझे अपने बल्लू की नजर उतारनी है। आजा पुत्र। पुत्र, मां हूं ना, दिल ते नहीं करदा कि तेनू दूर भेजा, पर हुणे मेरी इज्जत दा सवाल है। ये सारे डगरू ने टीवी वेखना शुरू कर दिता है, ते अखबार भी पढ़नी शुरू कर दिती है। कहंदे ने कि बल्लू ना जदो तक बलविंदर सिंह बन के नहीं मुड़दा उदो तक ना सानू चैन नहीं होना। ओ बेबे तुसी फिकर ना करो, बस मैनू आशीर्वाद दियो। फेमस होने से पहले इसकी इतनी आओ भगत है तो फेमस होने के बाद क्या होगी? पुत्र, टाइम नल खाना ते टाइम नल सोना। मैं तेरे वास्ते ना डब्बियां दे विच देसी घ्यो, देसी खंड, पिनिया, फिर मां दी दाल ते बेसन दे लड्डू भी रख दिते ने। मैं खा लांगा बेबे, तू चिंता ना कर। चंगा। ओ गड्डी आ गई बलविंदर दी। ओ असी बल्लू भाजी नाल फोटो खिचानी है, फोटोग्राफर किथे है जी? आ जाओ आ जाओ, सारे आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। अबे चुप। गड्डी आ गई तो क्या हो गया? हैं, साडी सिटी नहीं बजेगी तो गड्डी नहीं चलेगी जी। पर मैं तो टिकट ले रखी है जी। ओए टिकट ली इससे क्या होता है?
ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ महाराज तुसी रोटी शोटी ते खा लो कब से देख रहे हो इस जन्म कुंडली के पीछे पड़े हो किसी खास बंदे की कुंडली है जी हाँ बेटा भारतीय रेल की जन्म कुंडली है रेलवे की जन्म कुंडली कमाल है जी गड्डी की मेंटेनेंस ने इंश्योरेंस ते सुनिया सी रेलवे की कुंडली का की चक्कर है जी वैसे महाराज इस ट्रेन की कुंडली के हिसाब से ट्रेन तो पहुंचेगी ना सही सलामत बेटा इस बात की गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता वैसे जाना कहाँ है मुंबई जाना जी मुंबई रात को जागती दिन को भागती वो शहर हाँ जी वो तो सपनों का शहर है जी और हर बंदे के सपने वहीं पूरे होते हैं और मैं भी अपने सपने वहीं पूरे करने जा रहा हूँ जरा मेरा हाथ तो देख के बताइए सब ठीक तो है ना महाराज शौर का फल तो मिलेगा ही क्योंकि मंगल शुक्र के घर में बैठा है परंतु शनि 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 को क्या हुआ महाराज आजकल शनि की रफ्तार बहुत तेज है वो कहीं अड़चन डाल सकता है सावधान रहना वरना वो कहीं भी किसी भी समय तुम्हारे पीछे पड़ सकता है अरे साहब ये हमारे देश में क्या हो रहा है अरे आपके होते हो ये लोग कानून को अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं कानून को हाथ में ले रहे जी कौन है बे पटेल सावंत है ना सब लोग देखिए इंस्पेक्टर साहब देखिए कैसे सीना चौड़ा करके हाथ में देसी हथियार लेकर यहाँ तक घुसा है क्या रे टीम बनाकर दादागिरी पे निकले हो हफ्ता वसूली करने का प्लान है क्या समझ कर गए मुंबई को यूपी बिहार बनाने का क्या फेंक दो हथियार फेंक दो अरे नहीं साहब इसने मेरा पैसा लिया इसलिए तो तू कानून हाथ में लेगा सरकार को चैलेंज करेगा अरे पुलिस स्टेशन होता क्यों है तीन पत्ता खेलने के लिए तेरा क्या रे इनने महारे से गले तक उधार लियो है साहब साहब दो दिन का बोल कर लेता है और दो साल तक लौटाता नहीं है क्यों ऐसे करता है जब लेते वक्त मुंह खुलता है तो देते वक्त मुट्ठी भी खोलना कर दी ना छोटी बात साहब मुट्ठी क्या मैं तो दिल खोल के रख देता हूँ इनके सामने लेकिन इनकी बदकिस्मती है कि ये लेते ही नहीं है अरे भाई आ तुम दोगे तो लेवेंगे क्यों नहीं पैन कार्ड है पैन कार्ड है किसी के पास पैन कार्ड है अरे पैन कार्ड वही जिसपे गांधी जी की फोटो तो रहती है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती सरकारी नंबर भी होता है उसपे पैन कार्ड है किसी के पास नहीं है देखा साहब ये हैं भारत के सच्चे नागरिक अपने हिसाब किताब के लिए पेन तो रखते हैं पॉकेट में लेकिन सरकारी हिसाब किताब के लिए पैन कार्ड नहीं रखते अब ऐसे में क्या TDS काटे और क्या चेक दे इनको बरोबर है अब समझा तुम रेशन कार्ड निकालते हो इलेक्शन कार्ड निकालते हो लेकिन पैन कार्ड नहीं निकालते क्योंकि तुम सरकार को चूना लगा सके पटेल चवन उधार के पीछे पड़े सर मैं तो उधार की बात कर रहा था उधार देश का उधार अगर आपको कुछ जरूरत पड़े बुला लेना मैं आ जाऊंगा क्या जोक मारा पुलिस को पब्लिक की जरूरत वैसे तुम्हारा नाम क्या बलविंदर सिंह पटियाले वाले नाम के साथ तो एड्रेस भी बताता है क्या सर जोक इस बार आपने किया है लेकिन मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है अब ये क्या कर रहा है सर कमिश्नर की पार्टी में मिले थे ओह सर क्या खाना था वही हो वही तो हूँ एक साथ सात प्लेट खा चुके थे और खाना खत्म होता सर आपको किसने बताया अरे खाने के स्टॉल पे तेरी तो फोटो छपी है अरे तेरे तो जलवे हैं जलवे तू तो सब जगह छाया हुआ है क्या बात है सर ये सब तो ऊपर वाला करवाता है वरना मेरा क्या मैं तो बस काम करो और निकलो
तो सर मैं निकलूं? निकल ले। थैंक यू। एक मिनट, मुझे मिलने तू फिर से जरूर आना। क्यों सर? कमिश्नर की दूसरी पार्टी में। जैन सर, जैन, जय महाराष्ट्र। फोन का रिंगर म्यूट पे और कर दे टीवी बंद। अब लाइटिंग शाइटिंग यूं जमा दे, मोड बने बुलंद। फिर ढूंढ ले कोई बहाना, अरे भाड़ में जाए जमाना। बस छेड़ दे ऐसी म्यूजिक जिसकी गूंज सुने दुनिया। कैनी जी ओ पाजी तुसी सैक्स वजा दे, कैनी जी वजा दे तुसी सैक्स वजा दे, कैनी जी तू हल्ले हल्ले सैक्स वजा दे, कैनी जी ओ पाजी तुसी सैक्स वजा दे। इससे वधिया होर कौन? मूड बना दे, सेट करा दे, बिगड़ी जिंदड़ी बजा के होर। Hey Kenny, Hey Kenny, Hey Kenny G, come a little closer, I'm gonna set you free. No Santa, no banter, only Kenny G, come a little closer, I'm gonna set you free. अपना हर काम अतरंगी हो चाहे बेढंगी, I always think out of the box. अपनी हर शाम गुलाबी है और दिन नारंगी, I always feel Kenny G rocks. अपना यही फसाना, अरे भाड़ में जाए जमाना। मैं छेड़ दूं ऐसी म्यूजिक जिसकी गूंज सुने दुनिया। Kenny G, ओ पाजी तुसी सैक्स वजा दे, Kenny G वजा दे तुसी सैक्स वजा दे, Kenny G तू हल्ले हल्ले सैक्स वजा दे, Kenny G ओ पाजी तुसी सैक्स वजा दे, Kenny G वजा दे तुसी शादी वादी कर ली क्या है? और तू आईने से मच्छी खाना भूल गया? अभी मैं क्या करूँ, बारिश में मच्छी टोकरे में नहीं समुंदर में होता है सेठ। अरे समझा समझा दादा, अकल का इस्तेमाल मत कर। चल बता तेरी टोकरी में क्या क्या है? बता। ए नीचे रख, इसको खोल। सुरमई, झींगा, बोम्बिल, पापलेट सब है। तुमको क्या मांगता है अंकल? अंकल नहीं, अंकल नहीं बोलने का। रुस्तम ईरानी, हैंडसम मकान वाला। ये झींगा में तो कोलेस्ट्रॉल होता है, बॉम्बिल में बास, पापलेट सही है। इसका भाव क्या लगाया? 1000 रुपए। ये फुल टोकरी का भाव नहीं पूछा है, एक जोड़ी का भाव। जोड़ी का? हाँ तो मैं भी जोड़ी का ही भाव बोली। आखर टोकरी खरीदने का तो तेरा ताकत भी नहीं, तू भाजी का भाजी। ये मैं भाजी खाऊं की भेजा, तू इतना भाव क्यों खा रही है? और इतना भाव लेकर इधर आने का नहीं समझे क्या? तो तेरे को क्या फ्री में चाहिए? ये दिमाग का दही भारी है, आज तो किराया लेकर ही छोड़ेगा। अरे बाप रे, सुबह सुबह क्या दिखा रही है तू? ओए जी, फरारी रखा हूँ। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है साहब। चल चल उठा अपनी टोकरी, 1000 रुपए का पाप ले। तेरे बाप ने कभी खाया? सटक गए लाए बुढ़ा। अरे बुढ़ा होगा तेरा बाप, 1000 रुपए का पाप। ए कटी पतंग। अरे अंकल, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। सर ऊपर? ऊपर किधर? ऊपर ताला मार दिया तेरे कमरे में। चाबी इधर, देख 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 चाबी। ऐसा क्यों किया अंकल? क्योंकि इस घर का फर्नीचर, टीवी, ग्लास, प्लेट, खिड़की, दरवाजा सब मेरा है, सिर्फ तुमको छोड़कर। किसी किरायेदार का ताला तोड़ के नया ताला लगाना कानूनन जुर्म है, पता है तुम्हें? अरे वाह, बात तो ऐसी करता है जैसे बैरिस्ट्री पास करके सीधा अभी अभी लंदन से आया है। अरे सोसाइटी में अपना भी कुछ नाम है, इज्जत है। मैंने जब बोला था ना संडे को आपको मैं पैसा दे दूंगा, मतलब दे दूंगा। कब कहा था? संडे को, 6 महीने पहले वाले संडे को। आज भी संडे है, अब अगर तू भाड़ा नहीं देगा तो ऊपर जाने नहीं देगा। निकाल भाड़ा। तेल लगाए गुप्ता, हिसाब किताब चुकता, आपका पूरा भाड़ा अभी मैं दे देता हूँ आपको। चलिए, खुश आप भी हो जाए क्या? ये है चेकबुक।
चेकबुक चेकबुक। अच्छा बड़ी तरक्की की है भाई। आपकी भी होगी। रुकिए रुकिए रुकिए, 6 महीने का भाड़ा इंटू 30। ये क्या गिन रहा है चेक फाड़ना? ओए रुकिए रुकिए, इतना आसान नहीं है चेक फाड़ना। TDS देखना पड़ेगा। TDS? ये TDS कौन है? TDS छोड़िए, आपके पास पैन कार्ड है? पैन कार्ड? नाम सुना कभी, मिला नहीं। कर दी ना छोटी बात अंकल, इसीलिए इसीलिए देश की तरक्की नहीं हुई। तुम जैसे लोग फाइल रिटर्न तो करते नहीं हो, टैक्स की चोरी करते हो और देश को लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। अरे ना ए भाई, ए भाड़े के नाम से तू मेरे को डरा मत, ये कानून मत सिखा मेरे को। अरे अंकल मेरे पास टाइम ही नहीं है, आप खुद देख लो। इजी कर दिया हूँ मैं आपके लिए। ये क्या है? इसे कहते हैं पैन कार्ड। जो आपके पास नहीं है, कानूनन जुर्म। कानून वाले आएंगे, आपको इस तरह से पकड़ेंगे और हाथों में लगाएंगे हथकड़ी। नहीं नहीं नहीं, वो तुम कुछ संडे की बात कर रहा था। संडे को आपको दे देता ना मैं पैसे, कैश पक्का, कैश हार्ड कैश, क्योंकि अब मेरी किस्मत बदलने वाली है। अच्छा? हाँ। चाबी लो। थैंक यू अंकल। डोसा मिलेगा बिना चटनी के? उधर रेस्टोरेंट में, ये होटल थोड़ी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। थैंक यू। किस्मत, ये आया मालगाड़ी, ये तेरे गया साला तूफान मेल की तरह। एक दो तीन, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। कोई किताब किसे रह गया? एक दो तीन, अभी ये क्या आइटम है यार? आठ नौ, साढ़ा एक डब्बा गया तो गया कहाँ? अबे शुक्र मना कि तू गायब नहीं हो गया, समझा? मुंबई मेरी जान, यहाँ डिब्बे चोर रेलवे के डिब्बे गायब हो जाते, किसी को पता नहीं चलता। कुछ कीमती सामान था क्या उसमें? हाँ बहुत ही कीमती सामान था, यहाँ तो शायद मिलता भी नहीं होगा। अच्छा सर, ऐसी कौन सी चीज है जो मुंबई में नहीं मिलती? लुधियाने की बड़ी। बड़ी? हाँ जी, माँ ने बड़े प्यार से इतने डिब्बे भर के भेजे थे, किसी में देसी घी, किसी में बेसन के लड्डू, किसी में अचार, किसी में हरहर की दाल। पूरे लुधियाने से मेहनत से डिब्बे मरमर के लाया जी मैं। अबे तू मरमर के नहीं, भर भर के लाया है साला। एक तो मुंबई में बेमौसम की तरह घुस जाते हो और ये सब ताम जाम लटका के ले आते हो। माँ ने इतने प्यासे दिए थे जी, मना कैसे करता, इसने सारे डिब्बे लेके आया हूँ। मगर अफसोस मेरी बड़ी। अरे उस बड़ी की छोड़, और इतने सारे माँ के प्यार की सोच जो तू भर भर के लाया है, बता अभी से जमाना कहाँ है? जमाना जी? जमाना मतलब जाना कहाँ है? मैं रंगीला टैक्सी ड्राइवर। पाजी फिर तो आपको पता होगा कि यहाँ पे रहने के लिए सबसे सस्ती जगह कहाँ पे होगी। अरे अरे तू एक पूछेगा मैं 100 बताएगा। मैं हूँ ना, तू आ जा। अरे कुले। हाँ जी। अरे ये सामान उठा, माँ का प्यार है संभाल के। जी फिकर मत। आ जा, जा। थैंक यू जी। टॉलेट टाइम पास आदमी है तू, एक बार तुझे कोई सुन ले ना तो फिर वो FM भी नहीं सुनेगा। कहाँ से आया, कहाँ से तू? जी लुधियाने से जी। लुधियाना पंजाब, सरदारों की सरजमी है। जी हाँ जी हाँ, वहाँ तो शेरों की सरजमी बोलो जी, हर जगह आपको शेर ही शेर नजर आएंगे। और तू? जी मैं भी सिंह हूँ जी, सिंह मतलब शेर। अच्छा तू भी शेर है, तो इधर क्या लोगों को काटने खाने आया क्या? ओ नहीं जी, मैं तो यहाँ फेमस होने आया जी। फेमस? तू फेमस होने आया है? हाँ जी। 500 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। 500 रुपया एक्स्ट्रा क्यों जी? अरे शेर भाई, मैं तुम्हें जहाँ रखवाने वाला हूँ ना, वहाँ फेमस होने वाले का कोटा बहुत लिमिट में है, बहुत मच मचे उधर। लेकिन कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लेगा। मैनेज कर लेगा? कोई खास जगह जी? अबे खास बोलता है, पवित्र बोल, पवित्र, हाजी अली, सिद्धि विनायक। अरे वैसी जगह है जहाँ की धूल मिट्टी में पैर रखने से पहले पैर धो के जाना पड़ता है। तेरे पैर धुले है ना? हाँ जी, मैं तो पूरा नहा धो के आया जी। बस फिर तुम छेती ले चलो जी। क्या कहाँ लेके चलो? आ गया उतर भाई। ओ पाजी यार, तुसे मैंने किथे लेके आ गए? अरे तुझे फेमस होने का है ना। हाँ जी। ये देख, ये वही जगह है जहाँ छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा आदमी यहाँ फेमस हुआ। वो देख, वो रस्सी देख रहा है? हाँ जी।
अमित जी वही कपड़े सुखाते थे। अमित कौन? अरे यार अमिताभ बच्चन यार। ओह अमिताभ बच्चन, किंग ऑफ बॉलीवुड, वही रस्सी है देख। अच्छा जी, आजा नजीक से दिखाता। सत श्री अकाल जी। कमाल है जी, अमित जी अपना कुर्ता पजामा तो ले गए, नाड़ा यहीं पे छोड़ गए। चलो जी, नाड़ा मैं अपने पजामे में डालूंगा। वाह जी वाह। और वो देख, वो खाट है ना? हाँ जी। धर्मपाजी उसी पे लेट कर मसाज करवाते थे। धर्मपाजी? ए धर्मपाजी कौन जी? अरे यार धर्मपाजी अपने धर्मेंद्र। ओ धर्मेंद्र पाजी, वाह जी वाह। इन्हां दी ते मैं फोटो खिंच के अपने पिंड भेजांगा जी, असीं सारे इन्हां दे बड़े फैन है जी। हां खींच खींच। ओए रंगीले, अरे वांट टू गो। अरे क्या बस्ती में नया परिंदा लाया है क्या? ओ परिंदा ने जी, शेर, पंजाब दा शेर फ्रॉम लुधियाना। ये अपना शेर दोस्त है, लुधियाना से आया है फेमस होने के लिए। ये भी फेमस होने? हाँ जी। ये अपने मंटुक भाई है, यहाँ के सारे स्टार बस्ती छोड़ के चले गए, ये अभी तक यही टिके हुए है। ये भी स्टार है जी, पर शक्ल से तो लगते नहीं जी। अरे तबीयत ठीक नहीं है मेरी भाई। अच्छा, तबीयत इसकी बहुत गड़बड़ है। इसको क्या डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, टीबी है, वो बवासीर, क्या नहीं इसको, गजकरण भी है। लेकिन है ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटी है ना, इसके आगे सर झुकाते हैं। ओ अच्छा जी, प्रणाम जी। संभाल, काट लेगा। काट लेगा? बाल काट लेगा। नाई है नाई, ये देख। ओ अच्छा जी, नाई जी बाल काटने। हेयर स्टाइलिस्ट। हेयर स्टाइलिस्ट, नया नाम। कमाल दी बस्ती है जी। फिर तू आ गया ना, तू लकी है। नहीं जी, मैं लकी नहीं हूँ जी। अबे यार तू लकी है। ओ नहीं जी, लकी है अभी तो लुधियाना में आया जी, मैं तो अकेला आया हूँ जी। अबे ये तो कॉमेडियन है। कमाल का आइटम है यार। अरे भाई तू यहाँ मिल गया, ऊपर मत आके मिलना, समझा? कमाल करते हो जी, बड़े बड़े स्टार से तो आपने मिला दिया जी। अगर कोई और भी बचा है ब्रांडेड पर्सन तो उसको भी मिला दो। अरे उससे मिलवाना। अरे उसी से मिलवाने लाया हूँ यार। अरे भाई है एक ब्रांडेड पर्सन। अच्छा जी, उसी से मिलवाना है, यही है घर उसका। टू इन वन है, बहुत काम की चीज है। टू इन वन है जी, अंग्रेजों के जमाने की आइटम है। अच्छा जी, समझा? ब्लैक एंड व्हाइट, चला यही घर है उसका, मिलते हैं। आजा आजा अंकल जी। ए अंकल, सो गया कह रहे बूढ़ा? ये बाबा, बस्ती में कोई सांड घुस के आ गया क्या? अरे सांड नहीं अंकल, ये अपना पंजाब दा शेर है। शेर? अरे शेर है तो यहाँ पर क्यों लेकर आया? सर्कस में ले जाने का। अरे अंकल समझे नहीं आप, भाड़ोत्री के लिए ला रहे। हा? अच्छा, भाड़ोत्री? समझता नहीं अंकल, सीधा स्टेशन से उठा के लाया है, विदाउट वीजा। वो देखो, वो खुदाया, इतना सामान कोई कबाड़ वाला है? कबाड़ वाला नहीं, लुधियाने वाला है। अरे एक पटियाले वाला क्या, मुझे लुधियाने वाले को लेकर आ गए। जब भी साले से भाड़ा मांगता मुझे कछुए की तरह कुएं में गोल गोल घुमाता। राइट है, राइट है अंकल, ये है ना पार्टी कैश वाली है। आई हुई लक्ष्मी को काय को ठोकर मार रहे हैं अंकल। ओ पाजी मैं लक्ष्मी नहीं, शेर हूँ। शेर? चुप। शेर शेर कब से लगा के रख? चुप बोल दी करा तारो, नाम सोचो, नाम क्या है? जी मेरा नाम है बलविंदर सिंह। हाँ? है? मैंने कोई गलत नाम तो नहीं ले दिया? मेरा नाम सुनते ही आप लोगों का मुंह क्यों खुला रह गया? अरे तेरा नाम सुन के पूरे मोहल्ले का मुंह ऐसा खुला का खुला रह जाएगा। ये सारी मुसीबतों की जड़ ये बलविंदर सिंह है। मैं जी? अबे तू नहीं बे, ये है अंकल का किरायेदार पटियाले वाला बलविंदर सिंह। खाजुआ साला 6 महीने का भाड़ा नहीं दिया है, इधर उधर सबसे उधार लेके रखा है, गाय बकरी को भी नहीं छोड़ा है। इसलिए जो भी भाड़ोत्री अब आएगा उसको 6 महीने का पहले एडवांस देना होगा। बोलो मंजूर है कि नहीं? 5,000 के हिसाब से 6 महीने का कुछ 30,000 रुपया बनता है। बनता नहीं, मैं लूंगा। ये लेंगे? 6 महीने का 30,000 बनता है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 15,000 है। अरे लाना, बाकी का बाद में देना दिख रहा, लेकिन शेयरिंग में रहना पड़ेगा। पाजी ये शेयरिंग क्या होता है? अरे मिलजुल के समझा। अरे वो सब मैं तेरे को समझा देता हूँ, सबसे पहले सामान ले ले आओ ऊपर, नहीं तो बलविंदर आ गया ना, सामान लेके चले जाएगा। कितनी प्यारी आवाज है, कितना सुरीला गा रहा कोई, इन्हें सुनके तो पिंड दी याद आ गई। कौन है रब दा बंदा? अरे नानी भी याद आ जाएगी, मिलवाता हूँ। एक बार मिलोगे तो पिंड भी भूल जाओगे। अच्छा जी। हाँ जी, बहुत ही प्यारा गा रहा जी, कड़े जब देखो गाते ही रहता है। चल चल, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, यही है मोहल्ले का तानसेन। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट,
ओए ओए हटाओ ये सब, क्या कर रहे हो? आज ही घर साफ किया यार। अच्छा, अरे फिर लगे यार आरती वारती करके नया भाड़ोतरी का मुहूर्त कर डालना। भाड़ोतरी? कौन भाड़ोतरी, किसका भाड़ोतरी? पाजी ये क्या है? वही फ्रॉड है। ओए रंगीला, फ्रॉड किसको बोला बे? फ्रॉड किसको बोला? मैं नहीं, वो रुस्तम अंकल तुमको बोलता है ना फ्रॉड, चीटर, झोलर। अरे उसने तुम्हारे भाड़े का बोझ हल्का करने के लिए इस नए बोझ को, मेरा मतलब है नया भाड़ोतरी को भेजा है, और इसने 3 महीने का एडवांस भी दिया है। सत श्री अकाल जी, मैं बलविंदर सिंह लुधियाने वाला। बलविंदर सिंह? अरे तू झटका मत खा, इसमें ना देख खाने पीने की बहुत सारी चीजें है, गांव से लाया है। और तू खड़ा क्या है, जमाना चालू कर, चल जमाना चालू कर। ओए एक पीस कचरा भी आने रहेगा, सब बार आउट 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 आउट। क्या अंकल आपकी तो निकल पड़ी, खोलिए एक भड़ोसी दो। अरे क्या भड़ोसी दो, अरे अभी एक आना और बाकी है, ये नीचे का कमरा उसके लिए रखा है। क्या बात है, आपके ऊपर तो लक्ष्मी की कृपा है चारों तरफ से। अरे वो तो बात की बात है बाबा, वो अभी कुछ देर पहले रंगीला जिस मुसीबत को लेकर आया उसका क्या, दो दो बलविंदर सिंह एक साथ मेरी खोली में रहेंगे, ये किसी टेंशन से कम है क्या? पाजी एक अतिथि की इतनी बेइज्जती। मैं हूँ। ए भाई बहुत अच्छा आदमी है, और ये कचरा नहीं है, माँ का प्यार है। पोटली खोल के देख, माँ का प्यार शुद्ध घी के साथ ऐसे बाहर आएगा। माँ का प्यार, दही अचार, सब कहीं और नॉट योर, आउट। अरे ओ पाजी, नया हूँ इसलिए चुप हूँ, अगर आप पटियाले के हो तो मैं भी लुधियाने का शेर हूँ, शेर मेरे अंदर खून ही खून दौड़ रहा है। भाई मोहल्ले में बहुत मच्छर है, ऊपर आ जाएंगे। ओए तो फिर आज इस बस्ती में हो ही जाए खून। क्या पार्टी? अरे नहीं भजन। अरे नहीं रे मुजरा। अरे नहीं खून की होली, खून की होली, वो भी ऑक्सीजन। ओए अंकल समझ क्या रखा है? अंकल ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है क्या मतलब? अरे पिछले 5 साल से मैं यहाँ अकेला रह रहा हूँ, अब ये किस गवार को घुसा दिया मेरे कमरे में? अरे बाबा वो भाड़ा देने वाला भाड़ोतरी है, और तुम भाड़ा लटकाने वाला कबूतरी। कबूतरी क्या? कमाल है मैं कबूतरी? अरे मुझे भी जाना तेरे साथ। अरे ठीक, एक नंबर का घटिया आदमी है तू, सब पता चल गया मुझे तेरे बारे में। पूरे मोहल्ले से उधार ले लेकर सबको लटका रखा है, एक रूम में दो बलविंदर सिंह रहेंगे तो किस दिन मैं अंदर हो जाऊंगा। हाँ। नहीं रहना मुझे तेरे साथ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अरे बाबा जितना भाड़ा दिया है उतना दिन तो रहना ही पड़ेगा। ए बंटाई, मुंबई में जवान की कीमत है बाबा। अरे वो कुछ भी हो मुझे इसके साथ नहीं रहना है। मुझे भी नहीं रहना तेरे साथ। रहना ही नहीं है तेरे साथ। अरे नहीं रहना तो मत रहो, जाओ यहाँ से पटियाला और लुधियाना। माल, ये जुहू बीच की मछली अपने बीच। कितनी सोनी कुड़ी है, पर जाइए यार थोड़ा संभल के बोल। हैं? क्या बाल है, कहाँ कटवाएंगे ये? मैं पूछ के आता हूँ, तू यहीं रुक। हेलो हेलो, आप में से रुस्तम अंकल कौन है? रुस्तम वो है, अंकल ये है। आपको दिखाई नहीं देता हम बच्चों में से अंकल कौन है? अंकल नहीं रे, अंकल नहीं रे, अंकल नहीं बोलने का, अंकल नहीं बोलने का। रुस्तम ईरानी, हैंडसम मकान मालिक, लैंड ओनर, यहाँ का है क्या? तुम लोग अभी तक नहीं खड़े, अपना काम करो, चलो 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 चलो। हेलो, मैं जूली ब्रिगेंजा। केटली ब्यूटीफुल छे, सोफिया लॉरेन लागे छे। हाथ छोड़ अंकल। अरे तारा बाप रे हाथ छे जे छोड़ू। बेबी आ जा, चाबी लेकर आओ, चाबी लेकर आता हूँ। Julie, I the Balwinder Singh from the Patiala at your service. Hey Julie, Julie, बोलो दिल तेरे आये जुली, तेरे लिए चढ़ जाऊं जुली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है। जान लेगा क्या बच्ची की? सत श्री अकाल जी, myself बलविंदर सिंह, लुधियाने वाले। Both are बलविंदर सिंह? What a coincidence! मैं जी, मैं आपके ऊपर जाता हूँ जी, मेरा कोई भी काम हो, सेवा हो, just give me call जी, मेरा फोन नंबर है 590-86-86। ओए रुक 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 रुक, this is from the Punjab, don't go there, you'll get STD, you know. Me is a local man, I'm from the Mumbai. मैं यहाँ के गली गली चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, I will the खूब घुमाएंग you everywhere. मेरा लगेज कार में है। लगेज? ओ जी हाँ जी। ये बम, बूम। अरे फुकड़े साले भिखारी लोग है, खुद उधार की जिंदगी जी रहे, कुछ नहीं है, फेमस होने आए। मैं ऑलरेडी फेमस है, वो देख अपनी विंटेज कार, मस्त एकदम। कभी भी किधर भी घूमने का हो आप उनको आवाज दे देने का, हॉर्न मार के आ जाएगा, माई सेल्फ रंगीला। क्या मैडम, मैं मंटो हेयर स्टाइलिस्ट, ये दोनों तो नाबालिग हैं, अनमच्योर्ड है।
हम दोनों मैच्योर हैं और अंकल एक्सपायरी डेट है, खत्म हो गया है, कबर में लटके लाए। ये बाल बड़े स्टाइलिश है, कहाँ कटवाए? ये बाल बच्चे वाला है, कसम से ये बाल बच्चे वाला है। ए, नहीं, चाप, ए, तुम लोग यही खड़े हो, अपने काम करो, काम करो, कोई काम धंधा नहीं क्या? बाल बेबी तुम्हारा कमरा नहीं चाह रही, जरा क्या जा। अरे वाह, दोनों हीरो लोगों को तुमने कूली बना दिया, अच्छा किया। तुम्हारा कमरा नीचे है, खूब सजा के रखा है, तैयार करके रखा है, पसंद नहीं आए तो मारो घर तुम्हारो घर से। नहीं तुम मेरे साथ रह सकती हो, अच्छा लगेगा। अरे तेरी तो मुझे नहीं लगे, हटो यहाँ से, हटो, क्या करते हो, कोई काम धंधा नहीं है क्या? काम बेबी काम, आ जाओ बेबी, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल रूम तैयार किया है। कमाल ठरकी बुड्ढा यार, एक्सपायरी डेट नहीं है ये। अरे ये खुल गया, आ कम बेबी कम कम, माय स्वीट गर्ल, छोटी बात। अरे मैं भी खुददार इंसान हूँ, जब तक अंकल का पूरा हिसाब चुकता नहीं करता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैंने तो पूरा एडवांस दे रखा है, जब तक तो मेरा एडवांस खत्म नहीं होगा मैं क्यों जाऊँ? अच्छा जी, एक तो बात है साले तेरे में, लड़की देखते ही जाने का इरादा बदल दिया। अरे जब रीजन सही हो तो फिर सीजन बदल जाता है। हाँ लेकिन जिसकी किस्मत अच्छी होती है ना, लड़की वही लेके जाता है। ये तो वक्त ही बताएगा कि किसके बीन पर नाचेगी ये। तुम बजाओ बीन, हम बजाते हैं मोहब्बत का भोपू। टांका दो नैनों का फिट हो गया, अपना कनेक्शन तो हिट हो गया। टाका दो नैनों का फिट हो गया, अपना कनेक्शन तो हिट हो गया। निकल ले जरा, खिसक ले जरा, मेरी तो हो गई है वो सटका। मोहब्बत का भोंपू बजने लगा, मोहब्बत का भोंपू बजने लगा, मोहब्बत का भोंपू बजने लगा। बाबर बा बाबर बा बाबर बा 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 बाबर बा बाबर बा बाबर बा 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 बाबर बा बाबर बा 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 बाबर बा बाबर बा बाबर बा 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 बा। टाका दो नैनों का फिट हो गया, अपना कनेक्शन तो हिट हो गया। टाका दो नैनों का फिट हो गया, अपना कनेक्शन तो हिट हो गया। निकल ले जरा, खिसक ले जरा, मेरी तो हो गई है वो सौ टका। मोहब्बत का भोपू बजने लगा, मोहब्बत का भोपू बजने लगा, मोहब्बत का भोपू बजने लगा। पपर पा पपर पा पपर पा 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 पपर पा पपर पा पपर पा 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 पा। तेरी मेरी बैंड लगी, अरे छोटे मुझसे करता है क्यों बातें बड़ी। जली ना देख तेरी फिर से जली, अबे देख लेना होगी यही भाभी तेरी। ओ मेरी शादी में गोले फेंकूंगा, होंगे फेरे तो तंबू खींचूंगा। आऊंगा गिरेगा ना चक्कर चला। मोहब्बत का भोंपू बजने लगा, मोहब्बत का भोंपू बजने लगा, मोहब्बत का भोंपू बजने लगा। पपर पा पपर पा papara pa 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 papara pa papara pa papara pa 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 papara pa papara pa 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 papara pa papara pa papara pa 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 भूले से आना नहीं मेरी गली, तेरे पाप का कहीं तो ये मोहल्ला नहीं। अरे लगी ना देख तुझे मिर्ची लगी, तेरी जान ले लूं आज ये है मर्जी मेरी। मैं बजा दूंगा, मैं नचा दूंगा, रास लीला है मैं रचा लूंगा। ए चारे चुंदर ना चू चू लगा, मोहब्बत का भोंपू बजने लगा, मोहब्बत का भोंपू बजने लगा, मोहब्बत का भोंपू बजने लगा। papara pa papara pa 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 papara pa papara pa papara pa 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 papara pa papara pa papara pa 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 papara 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 pa
सत्ये नैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्वत्पिपदे शञ्चतुष्पदे। 25 साल बीत गए, 25, लेकिन अभी भी उस दुर्घटना की यादें मेरा पीछा कर रही है। मदद करो। मामा जी, आप अपने आप को अकेला मत समझिए। भैया भाभी नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं हूं ना। बेटे और बहू की यादें तो धुंधली पड़ गई हैं, लेकिन उस 6 महीने के बच्चे को अभी तक नहीं भूल पाया हूं। थैंक यू। अरे रुको रुको, ताले ताले कर जा रही हो मेरे पोते को। जो इस वक्त न जाने किस हाल में होगा, कहां होगा, पता नहीं कहां होगी वो दुष्ट औरत जो मेरे अबोध पोते को उठाकर ले गई और मैं कुछ ना कर सका। साहब जी, एक दिन हमारे वो छोटे साहब जी हमें जरूर मिल जाएंगे जिन्हें आप आज भी खोज रहे हैं। पता नहीं ये रंजिश कब खत्म होगी, लेकिन आखिरी सांस तक उस सास को नहीं छोड़ूंगा। किस्मत कभी ना कभी तो उस पोते को अपने दादा से जरूर मिलवाएगी। यह फरारी की सवारी। ए भाई, इधर आ। गाड़ी पे लगा दे। या। और बता, कहाँ से आ रही है सवारी? सवेरी सवेरी हवा खाने गया था। तुम हवा खाओ, वो मलाई। क्या मलाई? अरे तुम्हारे पार्टनर की बात कर रहा हूँ मैं। वो लुधियाने का लल्लू? लल्लू नहीं है वो, वो उस्ताद है। उस्ताद? लौंडिया से चक्कर चल रहा है उसका। जूली के साथ? खूब नैन मटक्का हो रहे हैं जूली के साथ। क्या बात कर रहा है यार, विश्वास नहीं है? अरे यार मुझे खो आ गया। ये ना ऐसी बगली की तरह घात लगाए बैठा रहता है, देखना एक दिन मछली का शिकार कर लेगा तुम्हारी। अरे कर दी ना, छोटी बात, मेरे होते हो वो क्या शिकार करेगा, शिकारी शंभू तो मैं हूँ। ओ मिस्टर लुधियाना वाले, कहाँ हो? तुसी मैंने बुलाया जी। विल यू कम डाउन प्लीज? मैं होने आजी, थैंक यू। उसको बुला रही यार, मेरे ते आज भाग खुल गए। दसो जी की सेवा मेरे लिए? अबे तेरी, कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। मेरा इंतजार कर रही थी? दसो जी कितने चलना? आओ ना। वेलकम बल्लू। थैंक यू जी। वाह जी वाह चुली जी, तुम्हारा काम तो बहुत सोना। ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका टोए 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 टोए। ढिंका चिका का चितना चला था मैं अभी। अभी क्या कर रहा है? बस्ती में मस्ती चढ़ी है। अरे हेलो कर दो। चुप। ओह बालू, पोश पोश, यस, थोड़ा और अंदर। सारी बस्ती में तुम्ही को तो अपना मानते हैं। ओह गॉड, जस्ट सो गुड। ओह यस, थोड़ा और अंदर, अंदर, हाँ।
लवली। ओह बेबी। ओह थक गए ना? हाँ जी। हो गया काम? थैंक यू जी। अब चल। पसीना पसीना हो गया। अभी? चल। मजा आ गया। चांद पे दाग लग गया। पिचका दूंगा। अरे अरे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। छोड़ छोड़ छोड़। बस 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 शेरू बस। ये बल्लो साला बहुत बड़ा बल्लेबाज निकला यार। गेम बिछाने की बाजी पहले जीत गया। वन टू कर दी ना छोटी बात। अरे हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। बल्लू तू तो गया। इसका तो अभी पैकअप। तू इसके लुधियाने का टिकट काट। अबे यार पता नहीं ये भी कहाँ अटका हुआ है। आज का नया चल रहा है। मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान मत करना। क्या क्या ये संभाल इन्हें। ने साले को निचोड़ दिया इन्हें। ओए इतना पसीना बस्ती में कुआं खोदने में बहाता ना लोगों की दुआएं मिलती। अरे ये भी तो मेहनत का पसीना पाजी। मेहनत का पसीना? अरे यहाँ की पब्लिक भी बहुत मेहनत करती है। अरे पता है जब डंडा लेकर मार मार के थक जाती है ना तो ईंट पत्थर भी उठा लेती है। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने जो बार बार डराए जा रहे हो? सांड की तरह जूली के घर में घुस जाने की क्या जरूरत थी? अरे सांड नहीं जी शेर कहो शेर। भला ऐसे मामले में पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? खूब जानता हूँ मैं तेरा काम। अंदर क्या चल रहा था ना मंटू का और मैंने सब सुना है। हाँ हाँ सुना ही है ना। देखा तो नहीं है कि जूली अपनी गोद में बिठा के कितने प्यार से मुझे रसगुल्ले खिला रही थी। रसगुल्ले? वो भी गोद में? जी हाँ और बेड पे प्यार से लटाकर मुझे गाजर का हलवा खिला रही थी। गाजर का हलवा बेड पे? हाँ मेरे भाई सुनने से कुछ नहीं होता। पहले देखना फिर इल्जाम लगाना समझे? समझा समझा। और तू भी एक बात समझ ले पिछले 5 सालों से इस कमरे में अकेला रह रहा हूँ। अरे पराई औरत को छुप छुप के तो क्या सपने में भी नहीं देगा। और तू है कि यहाँ आते ही लाइव रसगुल्ला गाजर का हलवा वो भी बेड पर खाना शुरू कर दिया। तेरे इन करतूतों का भांडा न्यूज चैनल्स के सामने ना सही अंकल के सामने जरूर फोड़ कर रखूंगा। ओए अंकल चल गया साला। ए अंकल रुस्तम बाबा बाहर निकल। अरे कौन बोला वैसे भाई? अब या तो मैं रहूंगा या वो रहेगा। आज तो फैसला करके ही रहेंगे। क्या कह रहे दिख रहा तू जा रहा है? अरे मैं नहीं वो जाएगा जिसे रखने से पहले तुमने पुलिस वेरिफिकेशन तक नहीं करवाई। अरे तुम्हारी कौन सी करवाई? अरे लाखों में एक मेरा भी नाम आता है शरीफों में। इज्जत है मेरी सोसाइटी में। कमाल करते हो आप। अच्छा वेरिफिकेशन छोड़ो एक बार कम से कम उन डिब्बों में देख तो लेते। अरे डिब्बों में क्या होगा वो लुधियाना से है। माँ के लड्डू होंगे घी होगा अचार होगा पापड़ होंगे और क्या। देखा है नहीं उन डिब्बों में है एसिड केमिकल बारूद RDX। हाँ टीवी नहीं देखते? जगह जगह पर बम फूट रहे हैं विस्फोट हो रहे हैं। कानून के ना सिर्फ हाथ लंबे हैं नाक भी बहुत तेज है अंकल। देखना एक दिन सूंघते सूंघते यहाँ तक पुलिस पहुँच ही जाएगी। अच्छा तो यही है वो बस्ती। ठीक है मैं तो टॉयलेट जाता हूँ। रुक है नहीं इसी बस्ती से उसे ढूंढ के निकालना है। यहाँ घबराने की ओवर एक्टिंग मत करो जेल में बहुत टाइम मिलेगा आपको। अलर्ट अलर्ट अबे ओए ऐसे क्या देख रहा है? पुलिस वाला कभी देखा नहीं क्या? नहीं नहीं सब पुलिस वाला देखा है लेकिन ऐसा पर्सनालिटी नहीं देखा। सब कुछ चाय पानी सब। चाय पानी बड़ी ना च्युइंगम क्योंकि मियां है इंस्पेक्टर लांगे और लिंगम। बलविंदर सिंह को कोई जानता है? ये तो मुझे ढूंढा। कौन? अबे बलविंदर सिंह को देखा है क्या? बलविंदर सिंह ना? हाँ नहीं जानता पहली बार नाम सुना साहब। मैं इधर आ साहब। बलविंदर सिंह का नाम सुना है? दो बार सुना है। कैसे? एक बार उसके मुंह से दूसरी बार आपके मुंह से।
जा निकल, चल निकल। अबे ओ हीरो, मैं इधर आ। जी जी, तू हीरो है? नहीं, तू हीरो है? तक, तक, निकल चल। चल तू जला, तू आगे बला को टाल। तू तू डर मत यार, तू डरता क्यों? सॉरी सर। अबे ओए हीरो, हीरो ओए शान है, इधर इधर तू तो बुला रहा है। इतना छोटी बात। इंस्पेक्टर लैंड के साहब, नमस्ते। नमस्ते यार, तेरे को किधर तो मैंने देखा है। सर भाभी जी के जन्मदिन के पार्टी में मिले थे। कौन भाभी? किसकी भाभी? भाभी आपकी बीवी मिसेस लांगे। है? क्या खाना बनाया था भाभी जी ने, आज भी उंगलियां चाटता हूँ मजा। लेकिन आज किसी और की सरकारी दावत है बेटा, तो किसी बलविंदर सिंह को जानता है? सर बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। मतलब मैं नहीं, मतलब तू बलविंदर सिंह है? नहीं सर, नहीं सर, बलविंदर सिंह तो वो देखो वहाँ वही है, साला खूनी दरिंदा चोर, पता नहीं क्या क्या, आपको तो पता है सर। आप पकड़ लो, मारो मारो, पकड़ के लाओ बलविंदर सिंह। अरे सुनिए सर, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? अरे सर मेरी गलती तो बताओ, आखिर मैंने किया क्या है? सर सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए। जूली आइए। बलविंदर सिंह जी, सत श्री अकाल जी। सर मैं बलविंदर सिंह हूँ, बहुत शरीफ आदमी हूँ सर, मुझे क्यों पकड़ के ले जा रहे सर? तो हम क्या टाइम पास करने हैं? चोर पुलिस खेलने के नाचने? अरे रंगीला बचाना यार। ए रंगीला, रंगीला बचा इसको। क्या और? ए रुस्तम अंकल, मुझे पुलिस पकड़ के ले जा रही है, प्लीज मुझे बचाइए ना सर। मैं नहीं जानता तुझे। वो भी गए बलविंदर पाजी। अरे बलविंदर तो तू है, अब तो पूछेगा ना मेरे को। मैं पुलिस स्टेशन में मीका मीका है, कमिश्नर साहब बताइए, तेरे यार दोस्त सब खत्म हुए। चल अभी चल चल, आप आते हो घूमने पुलिस स्टेशन? नहीं नहीं सर, आज इनकी दावत है ना। हाँ लेकिन भाभी जी का खाना अब तक याद आता है सर, उंगलियां चाटते रहे। उंगलियां उनकी चाटिए, आज इनकी दावत है ना, सरकारी दावत। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, सैल्यूट, जय हिंद। ओ जूली, वो तो गया। What is all this happening? पुलिस बालू को क्यों पकड़ के ले गई? परमवीर चक्र देने के लिए। What? अरे आतंकवादी को पुलिस ले जाएगी तो कौन ले जाएगा? और तू है कितना प्यार कर रही है उसे? हाँ गाजर का हलवा, गुलाब जामुन ले खा, प्यार ना। गुलाब जामुन मैंने खिलाए? और जेल में जाके खिला उसे। क्या बात कर रहे? अरे नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूंगा, आज मैं बोल के रहूंगा। अरे सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, के खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। और तू क्या वाह कर रहा है? अरे बिना वीजा के किसी को भी उठा लाता है और फिर क्या होता है देख, भुगत। सॉरी सॉरी। अरे बस्ती वालों सुनो, सब के सब, आज पहली बार हमारी बस्ती में पुलिस आई। किसके वजह से? किसकी वजह से? अरे इसके वजह से, पहली बार हमारी बस्ती में टेररिस्ट घुसा। किसके वजह से? किसकी वजह से? इनके वजह से। और इन सब में बदनामी किसकी हुई? किसकी? अबे मेरी। What? तेरी कैसे बदनामी? तेरी बदनामी कैसे हुई? तू क्या समझता है आपको? बलविंदर सिंह मेरा भी तो नाम है, पुलिस मुझे भी तो पकड़ सकती थी। अरे मैं भी तो जेल जा सकता था। राइट राइट, कमाल है, समझते हैं तुम लोग। बात बताओ अभी, आपकी कोई बीवी बच्चे हैं? नहीं। कोई सगे संबंधी? नहीं। कोई दूर के रिश्ते नाते? अरे नहीं रे बाबा, नहीं, अपने खानदान का मैं ही आखिरी चिराग है। और ये चिराग भी बुझने वाला है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि एक तो क्या है, और अब आप भी जाने वाले हो है? और इस उम्र में आप अंदर जाओगे तो बाहर कब आओगे अंकल, समझो। इससे अच्छा है कि सब कुछ मेरे नाम कर दो। तुम्हारे नाम कर दो? कुत्ते बिल्ली के नाम करूं, पीपल के पेड़ के नाम करूं, तुम्हारे नाम क्यों करूं? कर दी ना छोटी बात। अरे आपके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है? शाम तक मैं पेपर ला रहा हूँ, बस साइन कर देना और फिर इत्मीनान से चले जाना जेल है? और मैं बन जाऊंगा बलविंदर सिंह ईरानी। अरे ईरानी, मर जाए तारी नानी। इसे कहते हैं हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा। हे प्रभु, मैं जानता था कि तुम भी यही चाहते थे कि इस घर में बस मैं रहूं और तुम रहो। मैं तो आज डबल उपवास रखूंगा, तुम भी क्या याद करोगे? लेकिन उस लुधियाने वाले के पोटली में क्या क्या रखा है जरा देख ले। ये सारा भंगार लगा के रखा है तो ये है लुधियाने का देसी घी सड़ा हुआ। और ये क्या है भैया?
गोबर का आचार और इसे कहता है माँ का प्यार। क्या है ये भंगार? पुलिस फिर से? वाह वाह वाह, क्या बात है महेंद्र सिंह जी, जय हो। वाह वाह यार, आपको मिलके तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अरे आप तो रियल लाइफ में, तुम तो मेरे मेरे हीरो हो। मेरे लिए कुछ काम हो ना तो आज रात को याद कीजिए, वैसे थोड़ी जल्दी याद कीजिए, बीवी मेरी भड़कती है ना इसलिए। सर मुझे ऐसे लग रहा है कि आप गाते हो क्या? सर पुलिस की सेवा के लिए गाना क्या, नाच भी सकता हूँ, अपनी जान तक दे सकता हूँ सर। आर यू ऑलवेज रेडी फॉर योर सेवा सर? तुम पुलिस के लिए इतना कुछ कर सकते हो? जी सर। तुमने तो मुझे इमोशनल कर दिया यार। मतलब मतलब ये हीरो है, इज्जत देना, इज्जत देना इसको। ए हीरो कमीना, इज्जत देना। क्या बात है यार, तू ग्रेट है यार, ग्रेट है। अरे क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है, आई लव यू। ओ अंकल मुंह बंद कर लो नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। अरे बल्लू ऐसे ऐसे कैसे? अरे आप तो हमें पहचानते ही कहाँ हैं। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ये माला वाला हाथ में ट्रॉफी, क्या कहानी है ये? बताते हैं बताते हैं, इतनी भी जल्दी क्या है? ओह बालू, we were so worried about you. What happened? क्यों ले गई थी पुलिस तुम्हें? बस हमें पुलिस कमिश्नर ने बुलाया था। कमिश्नर साहब ने? वाह। जैसे ही वहाँ पे पहुँचे पूरी पुलिस फोर्स खड़ी हो गई, कोई सलूट मार रहा था, कोई शाबाशी दे रहा था, और कोई कह रहा था बलविंदर सिंह यू आर द रियल हीरो। ओए ऐसा कौन सा कारनामा कर लिया कि इतना कुछ मिल गया तुझे? बस जूली कुछ कुत्ते कमीने गुंडों ने पुलिस कमिश्नर की बेटी को किडनैप करने का प्रोग्राम बनाया था। हमने वो प्रोग्राम चौपट कर दिया। ओए ये तो मैंने किया था, पुलिस कमिश्नर की बेटी को तो मैंने बचाया था। ये ट्रॉफी है, माला मेरी है, ये सर्टिफिकेट में मेरा नाम भी। इनफ इज इनफ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना तुम्हें? क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये गुंडा मवाली आतंकवादी है। ओह बालू, but I'm proud of you. जाऊं मैं अब दिल नहीं लगता मेरा नी, दिल मेरा डूब डूब जाता है हर रूप देख के तेरा नी, तुझको कैसे सब जाऊं मैं अब दिल नहीं लगता मेरा नी। हाँ दूर दूर रखे मुझे कहे तड़पाए, समझ ना आए तुझे समझ ना आए, कौन समझाए तुझे कौन समझाए, समझ न आए तुझे समझ न आए, कौन समझाए तुझे कौन समझाए। हाँ जब से देखा मैंने तुझको मेरे दिल नू होया की कुड़िए, अब नींद न आए रातों को तेरे बिन नहीं लगता जी कुड़िए। जब से देखा मैंने तुझको मेरे दिल नू होया की कुड़िए, अब नींद न आए रातों को मेरे दिल नहीं लगता जी कुड़िए। हाँ याद मुझे तेरी हर पल ही सताए, समझ न आए तुझे समझ न आए, कौन समझाए तुझे कौन समझाए, समझ न आए तुझे समझ न आए, कौन समझाए तुझे कौन समझाए। जदों दा तेनू वेखिया ओदों दा मैं ए सोचिया, बनावांगा तेरे हीर अपनी, वाला तू जान मेरी होर मेरे कोल कख नहीं, मित्रां दा मान हीरे थोड़ा जेहा रख नहीं, मित्रां दी जान उत्ते बस तेरा ही हक नहीं, ना करी मेरे प्यार उत्ते कदी शक नहीं, चंगे नीलों बिना दी नजर रातों बच नहीं, दिल में हर पल
रहती है बस मैं तुझ पे ही मरता हूँ। अब बात मान ले तू गोरी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं दिल में हर पल रहती है बस मैं तुझ पे ही मरता हूँ। अब बात मान ले तू गोरी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। समझ ना आए कौन समझाए तुझे, कौन समझाए समझ ना आए तुझे, समझ ना आए कौन समझाए तुझे, कौन समझाए। मुझे देखो ड्राइवर, देखो तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता, मुझे बता दो मेरा पोता कहाँ है। प्लीज मुझे बता दो मेरा पोता कहाँ है। देखिए, मैंने एक पाप किया, दूसरा पाप नहीं करना चाहती। आपका पोता इसी शहर में है। उसका नाम बलविंदर सिंह है। मैं उसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ? कहाँ मिल सकता है मुझे वो कहाँ मिल सकता है? Is she all right? मैं उसे मिल सकता हूँ? Sorry, अभी आप नहीं मिल सकते। मगर मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। I can understand, but अभी वो कोमा में जा चुकी हैं। कब तक वो रिकवर होंगी? कुछ बोल नहीं सकता। Excuse me. उद्योगपति राय बहादुर सिंह सोड़ी को अपने खोए हुए पोते बलविंदर सिंह की तलाश। आज की ताजा खबर पढ़िए। आज की ताजा खबर। मशहूर उद्योगपति राय बहादुर सोड़ी को 25 साल पहले खोए अपने पोते बलविंदर सिंह। थैंक यू आंटी जी। की तलाश? वाह जी वाह। अरे बल्लू, सस्या भाजी, आओ जी आओ, चाय चू पियो। अरे चाय चू सब छोड़, मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, एक बात बता, ये पोटली वोटली लेके तेरी माँ ने तुझे लुधियाना से यहाँ भेजा, वो क्या तेरी असली माँ है? भाजी, जब से होश संभाला उसी को मामा कह के बुलाया, तो मेरी असली माँ हुई ना जी। हट, नकली माँ है। अरे तेरे माँ बाप तो 25 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। क्या बात कर रहे हो भाजी? और नहीं तो क्या, तेरे खानदान में सिर्फ दो ही लोग जिंदा है, एक तू और एक तेरा दादा। दादा? हाँ मेरे दादा। हाँ ये देख, उद्योगपति राय बहादुर सोड़ी 25 साल पहले खोए अपने पोते बलविंदर सिंह को ढूंढ रहा है। पाजी मेरा नाम तो ठीक है, पर मेरे दादाजी का नाम तो लड्डू सिंह है। अरे लड्डू पेड़ा सब छोड़ यार, तू खाली राय बहादुर सिंह सोड़ी याद रख, तू उनका खोया हुआ पोता है, एक लौता वारी, समझ गया? कुछ भी बकवास करता है।
मंटुक तू मेरा हमदर्द है सरदर्द? क्या? अरे तुझे कैसे पता है कि 25 साल पहले खोया हुआ पोता मैं हूँ? यही तो तुझे प्रूफ करना है। मैं कैसे करूंगा प्रूफ यार, तू भी ना। हाउ ओल्ड आर यू, आई मीन उम्र क्या तेरी? 25। तेरा कुल? नहीं पता। गोत्र? नहीं पता। खानदान? अरे मुझे कुछ नहीं पता। तभी तो क्या बिना पत्री मिला तेरी सारी कुंडलियां मिलती है बे, सारे गुण मिलते तेरे। पागल तुझे कहां से पता होगा, तू तो छोटा नन्ना मुन्ना सा था, नाले में बह गया था तू। तुझे तो एक भाई ने पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन तेरे रगों में बलविंदर सिंह सोडी मैं ही हूँ, राय बहादुर का पोता मैं ही हूँ। अरे क्या बात है मंटुक, तुझे ना ही नहीं वकील होना चाहिए था, क्या दलीलें पेश करता है, कमाल कर देता है यार। चल चल हवेली चलते, हवेली चलते, बाकी बातें वहीं करेंगे ना। कहाँ? रुस्तम चिरकुट से मिलने जा रहा है? अरे नहीं, राय बहादुर सोडी मेरे दादाजी। अरे पति खराब पति, राय बहादुर सोडी से मिलने जा रहा है ऐसे इस हुलिया में? ऐसे जाएगा तो दादा, तो क्या दादा का दरबार भी नहीं पहचानेगा तुझको। क्या करूं? बहुत काम करना पड़ेगा तुम पे। हाँ थोड़ा कटिंग ऐसे, ये थोड़ी ग्रेंडिंग, थोड़ी सी पेंटिंग, ऐसा बना दूंगा कि दादा भी कहेंगे कि यार रापचिक पोता है, पोता हो तो ऐसा। मंटुक 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 बस जरा मेरे एक काम कर दे मंटुक, मैं तुझे वादा करता हूँ कि मैं वहाँ पहुँचा, जायदाद मिली और जायदाद का आधा का एक चौथाई का एक 2% मैं तेरे नाम जरूर करूंगा। बस डन डन। अब क्या रुलाएगा यार तू? बस मंटुक एक बार मुझे उस हवेली तक पहुंचने तो दे, दादा से मिलने तो दे। इसको बोलते तकदीर। देख तू फेमस होने आया था ना, रुस्तम की खोली से लेकर राय बहादुर की हवेली तक का क्या शॉर्टकट तेरे को ऊपर वाले ने दिखाया है? जा जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। लेकिन अंगिला भाई अंदर कुछ गड़बड़ होगी तो? अबे तू डर रहा है? अबे तू पंजाब दा शेर है, पंजाब दा शेर। देख जो डर गया सो मर गया, ये मुंबई है मेरी जान मुंबई, यहाँ डरने का नहीं, यहाँ सिर्फ कॉन्फिडेंस रखने का, कॉन्फिडेंस। बोले तो बोल बच्चन, समझा? जा घुस जा, एक तू ही बेस्ट है बाकी सब वेस्ट है, जा घुस जा। ठीक है अंगिला भाई, थैंक यू। सुन जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वेरी गुड। इधर सर जी, मैं बलविंदर सिंह दादाजी से मिलना है। ओह प्लीज कम सर, प्लीज कम। थैंक यू सर। बाय बहादुर, याद रखना। क्या बात है, ओह माय गॉड, वाओ यार दिस इज टू मच। है क्या ये जगह यार, कमाल है यार। रुस्तम की खोली से दादाजी की हवेली तक लाने वाला मैं तेरा एकमात्र दोस्त, तेरा दोस्त मंटोक, मुझे भूल मत जाना दोस्त। कभी नहीं दोस्त, कभी नहीं। लेकिन दोस्त यार मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं? फंटास्टिक। ये चकाचक कपड़े लग रहे हैं ना? लुकिंग नाइस। और ये चश्मा? अरे लगा के रखना। लगा के रखता हूँ। एकदम। बटन लगा ले, बटन लगा ले। दादाजी बाहर जा रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, ओपन टू ऑल, ओपन टू ऑल, ओपन टू ऑल, ओपन टू ऑल। एकदम चार्ज माउंट बटन। दादाजी 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 आया तेरा पोता। कौन है? ए किधर? मैं बलविंदर सिंह, सेठ राय बहादुर का एकमात्र पोता, इस हवेली का एकमात्र वारिस। बलविंदर सिंह प्लीज कम सर। ये मेरे बगैर दो कदम नहीं चल सकता। यू को? अरे मंटू तू मेरा टेंशन मत ले। अरे दो कदम क्या, मैं 200 मीटर चल के दिखाता हूँ, दौड़ के दिखाता हूँ। ये बल्लू, ये देख। ए नटी, देखा कितना फास्ट बना दिया। तुमको बना दूं? बड़े स्लो लगते हो, ये बाल कहाँ कटवाते हो? मेरे पास आओ, तुमको भी ऐसे ही बना दूंगा, इज माई मेकिंग। प्यारे जी, भैया जी ये सब क्या है? भैया जी पोता बटालियन बलविंदर सिंह कंपनी के सब लोग। मतलब सब सारे सारे बलविंदर हैं। आपका नाम क्या है? बलविंदर सिंह। आपका नाम क्या? बलविंदर सिंह। पूछ वाला चाचा यहाँ आइए, अपना नाम बताइए। बलविंदर सिंह। कहाँ से आए हो? मैं फौज से आया। अभी अभी रिटायर हुए हैं? हाँ जी। सीधे माला पहने चले आए? हाँ जी। सीधे चले जाइए, आप आइए टक्कल चाचा। अपना नाम बताइए। बलविंदर सिंह है। आपकी परचूनी की दुकान है? है। आपके पोते हैं? है। पोता बाबा दोनों बलविंदर सिंह दादा। आप जाइए, आप चले आइए पाजी खरामा खरामा। आपका नाम क्या है? बलविंदर सिंह। आप कहाँ से हैं? नैरोबी से आया हूँ। नैरोबी कहाँ है? पंजाब में। पंजाब नैरोबी से बलविंदर सिंह, जाइए। ए सब लोग अपना नाम बताइए। बलविंदर सिंह। और एक बार जोर से बोलो बलविंदर सिंह। चुप। सही बलविंदर सिंह कौन है, इसका फैसला मामा जी करेंगे।
प्यारे, 132 बलविंदर सिंह में से एक बलविंदर सिंह मामा जी कभी नहीं तोड़ पाएंगे। भैया जी, पूछते पूछते मामा जी खुद अपना नाम बलविंदर सिंह बोलने लगेंगे। चल तब। पिछली जरा पाजी, आप पीड़ कहने लगी हुई है। बलविंदर सिंह दी सिलेक्शन हो रही है। बलविंदर सिंह दी सिलेक्शन हो रही है, लेकिन बलविंदर सिंह ते मैं यार। ओए अगे घट सी, जो एक बलविंदर सिंह होर आ गया वो मैं हां। मैं बलविंदर सिंह लगता है। दादाजी गए। भाई साहब इतनी भीड़ क्यों यहां, क्या चल रहा है? बलविंदर सिंह का सिलेक्शन हो रहा है यार, उसी के लिए ये सब। अरे तो बलविंदर सिंह मैं हूं ना। बोलो बोलो उनको। हां नाम बोल। बलविंदर सिंह। नाम बोल। बलविंदर सिंह। क्या? मैं भी बलविंदर सिंह। ये सब बलविंदर सिंह ही तो हैं। सबके सब, सब बलविंदर सिंह। हां बलविंदर सिंह। कमाल है, चेहरे से तो कोई नहीं दिखता बलविंदर सिंह यहां। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे यहाँ मेरे दादाजी के पास मैं आया हूँ। मैं अपने दादा से मिलने आया, तू दफा हो यहाँ से। बकवास करता है, पता करता है कौन है असली बलविंदर सिंह। पोते के लिए एक इश्तिहार, सिर्फ एक इश्तिहार दिया था और पूरा शहर उमड़ाया। टोटल 132 है सर, और सबका यही दावा है कि वही बलविंदर सिंह है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, 132 बलविंदर सिंह, उनमें से असली कौन सा ही कैसे पहचानूंगा? डॉक्टर ने कुछ कहा? वो औरत अभी भी कोमा में है सर। उस औरत की इस पोटली से कुछ मिला? एक वोटिंग कार्ड। कहाँ की रहने वाली? लुधियाना। नाम क्या है? जमुना। और कुछ मिला? एक ट्रेन का टिकट लुधियाना टू मुंबई। बाकी दिखाओ। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जी, और नाम जमुना, रहने वाली लुधियाना की, वहां जहां बहुत साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरे पोते को लेकर भागी थी। लक्ष्मी। यस सर। कुछ ऐसे सवालों की लिस्ट तैयार करो जिसका जवाब सिर्फ असली बलविंदर सिंह ही दे सकेगा। बलविंदर सिंह की स्पेलिंग आती है? खामोश। अच्छा हुआ तुम लोग जल्दी समझ गए, नहीं तो भैया जी बोलते कम छोड़ते ज्यादा हैं। बदबू वहीं से आ रही है। भैया जी की गोली की बात कर रहा हूँ मैं। तुम सबकी शक्लों पर ऐसी मनहूसियत छाई है कि देख के ऐसा तो नहीं लगता कि कोई भी हमारे परिवार से हो, हमारा खून हो। भैया जी हमें यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया? हाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया है। भैया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे तुम लोग यहाँ आने से पहले कम से कम अपनी शक्ल आईने में तो देख के आए होते। सब 420 चोर, उसके पॉकेट मार बच्चा चोर लग रहे हो तुम लोग। ओए 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 बच्चा चोर पॉकेट मार किसको बोला रहे? तेरे को बोला। जो खाना खा ले। नहीं नहीं मुझे बोला तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको ना बोलेगा, अरे बहुत डेंजर आदमी है। अच्छा? हाँ, पूरे महल के सारे खंबे उखाड़ लेगा। खंबा तो दूर, तू बल्ब छू के दिखा, चला जा। चुप। फिर भी तुम सबको एक मौका दिया जाएगा। सवाल तैयार हैं? सब तैयार हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए तुम्हें सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। बांट दो। लीजिए अपना पेपर। जूलिया। और जूली जी तुसी आते? पहले बताया था कट्ठे आ जाते। जूली? कौन जूली? मैं लक्ष्मी हूँ। इस घड़ी का कांटा ठीक 12 पे आते ही तुम लोगों का समय शुरू हो जाएगा। समय शुरू। अब तुम्हारे इन जवाबों से मामा जी तय करेंगे कि तुम में से कोई भी असली बलविंदर सिंह है भी या नहीं। क्या हुआ, कोई नतीजा निकला? मामा जी शक्ल से सबके सब चोर उचक्के नजर आते हैं,
हमारा अंश किसी में भी दिखाई नहीं देता। अरे साहब जी, उनमें कुछ तो ऐसे लग रहे हैं जिन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, और कुछ ऐसे लग रहे हैं जिनके खुद के कई पोते होंगे। सर, मगर उनमें से चार ने सही जवाब दिए हैं। क्या, चार लोगों ने सही जवाब दिया? मतलब उन चारों में से कोई एक मेरा खून होगा, मेरा पोता होगा? मामा जी, मगर चारों ने एक ही जवाब दिया है। ये हमारे खिलाफ कोई साजिश भी हो सकती है। नहीं नहीं, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। हम चारों से मिलना चाहते हैं। प्यारे जी, भैया जी, उन चारों की मुलाकात मामा जी से करवाओ। ठीक। पोता नंबर एक, पोता नंबर दो, पोता नंबर तीन, पोता नंबर चार। आ रहे साहब जी तुम लोगों से मिलने, अभी हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। पाजी, यस साहब जी, कौन है? अरे कर दी ना छोटी बात। अरे साहब जी यानी मेरे दादाजी, करेक्ट ना सर? सर एक ग्लास पानी मिल सकता है? जी बस पानी, और आपको क्या चाहिए? थोड़ा दूध शुद्ध लस्सी वस्सी थोड़ा मिलेगा जी। और तुम्हारी कोई फरमाइश? हम सब करके आए। अच्छा, तुम सब करके आए हो, और आपकी कोई फरमाइश? सुनो। बोलो। भूख लगी है। कुछ स्नैक्स मिलेगा? हाँ स्नैक्स मिलेगा। स्नैक चलेगा? चार सवालों के जवाब क्या दे दिए समझते हो? किला फतेह कर लिया? अरे यूं करके पता चलेगा तुम में से कोई साहब जी का पोता है भी या नहीं। लाइन लाइन लाइन। दादाजी, 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 ए पैर छोड़ो वरना ट्रेन छूट जाएगी। हवेली के सबसे पुराने मुलाजिम हैं बनवारी काका, गांव जा रहे हैं। बहुत खुशी हुई बनवारी काका आपसे मिलके। तुम लोग बिना किसी को भी पकड़ के पैरों पे गिर के दादाजी दादाजी। बनवारी चाचा हमारे हवेली के पुराने मुलाजिम। अरे मैंने सोचा तेरे दादाजी हैं, शक्ल काफी मिलती जुलती है। अक्कल तुझसे मिलती है। ए साहब जी आगे, पोजीशन पोजीशन। यही है वो चारों। नमस्ते दादाजी। नमस्ते साहब जी, मैं आपको बताना चाहता हूं। दिल और दिमाग के बीच में एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई है। दिल ये सोचकर खुश है कि तुम चारों में से कोई तो मेरा पोता है, लेकिन दिमाग कह रहा है कि पहले ढूंढ तो लूं जिसे गले से लगाने के लिए मेरा मन मचल रहा है। तुम चारों में से कोई मेरा पोता है जिसे तलाश करने मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता, अगर उस दुर्घटना में से तुम में से किसी एक की माँ कोमा में नहीं जाती। माँ कोमा में? ये सबके सब साले घाक खिलाड़ी हैं। जमुना जहां कहीं भी है, बेहतर से बेहतर इलाज चल रहा है उसका, लेकिन जब तक वो होश में नहीं आ जाती, तुम में से मेरा पोता कौन है ये जानने का तरीका है मेरे पास, डीएनए टेस्ट। लेकिन साहब जी, अब डीएनए टेस्ट और उसकी रिपोर्ट आने में तो बहुत दिन लग जाएंगे, तब तक क्या ये लोग यहीं रहेंगे? इनकी मौजूदगी मुझे इस बात का एहसास दिलाती रहेगी कि इन्हीं में से यहाँ पर कोई है, मेरा अपना खून, मेरा अपना पोता। आइए आइए आइए, आज से ये कमरा तुम्हारा। वाह जी वाह, दादाजी ने बहुत बढ़िया रूम बनाया जी। बढ़िया लगा ना? हाँ जी बढ़िया जी। वैसे मुफ्त खोरों के लिए साहब जी ने अंदर ही रेस्टोरेंट, जिम और डांस बार भी खुलवा के रखा है, कभी चलना हो तो बताना। वैसे इन्हें चीजें का कोई शौक नहीं जी, पर तुसी जूली जी नु मिला दो जी। जूली? जूली होई जी जिसको आप लक्ष्मी लक्ष्मी बोलते हो। वो लड़की। नजर खास चीजों पे रखते हो हैं? नहीं जी, बस मिलना जी। अरे खाली मिलने से क्या होगा, लगे हाथ मसाज भी करवा लेना। मसाज जी? हाँ, और नहीं तो क्या, ये तो हवेली का रिवाज है। पर मैं तो जी अरे मैं तो छोड़ो, शर्माना कैसा, आप तो खानदानी पोते बनने वाले हो। चलो चलो लेट जाओ। अरे मजाक है क्या, लेट जा लेट जा। तुसी कहते तो मैं लेट जाना जी, पर जुली तो आएगी ना जी। अरे आंखें बंद करके लेटो तो मिलेगी भी और दिखेगी भी। लेटो लेटो। हाय रब्बा। शाबाश। ओके जी। आंखें बंद करो। हेलो जी। थोड़ा कंसंट्रेट करो। मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ, बस तेरा हूँ, हाँ तेरा हूँ।
मैं तेरा हूँ पे है हक मुझे मैं तेरा हूँ वर्तमानो निवेशयन् अमृतम् मत्रियं च। ये तो पटियाले वाली आवाज है। सविता रथेना देवो अबे वो देख याति भुवनानि पश्यन् आकृषिणेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् पश्यन् दादाजी आप यहाँ? हाँ। इतनी सुबह सुबह? अभी अभी तुम जो ये मंत्र उच्चारण कर रहे थे वो सूर्य मंत्र। हाँ 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 दादाजी, मैं रोज सुबह उठकर ये मंत्र पढ़ता हूँ। मेरा बेटा उदय भी सुबह उठकर यही मंत्र पढ़ा करता था। कहाँ से सीखा तुमने? कैसे पता तुम्हें? अब पिता के गुण बेटे में नहीं आएंगे तो किस में आएंगे दादाजी? बाकी भगवानों की भी आरती करनी है, आज्ञा चाहता हूँ दादाजी, आज्ञा दीजिए। ओम भू भुव स्वाह तस्वितु भरेण्यम भर्गो देवस्या धीमहि धियो यो न प्रचोदया। ओम भू। मुझे लगता है मेरा खोया हुआ पोता यही है। पैरी बना दादाजी, आरती दादाजी। अरे सुबह सुबह पूजा पाठ? बस दादाजी, रोज सुबह उठ के सूर्य नमस्कार के बाद मैं पूजा पाठ करता हूँ। हाँ हाँ। पिंड में माता का आशीर्वाद लेता था। हाँ हाँ। और यहाँ पे
आपका आशीर्वाद। पैरी बना दादाजी। ये आशीर्वाद के बच्चे? सिंगल आशीर्वाद से तेरा काम नहीं चलेगा साले, तुझे तो डबल आशीर्वाद की जरूरत है, वो मैं तुझे दिलाऊंगा। अरे मंटोक मेरे शेर, मेरे मितवा, तू बस मेरा ये छोटा सा काम कर दे। अरे नैने मैंने सारी सेटिंग्स कर दी है, तू कोई टेंशन मत ले। ये चालू खोपड़ी फोन पर किससे बात कर रहा है? सीधे यहाँ हवेली पहुँच जा। अरे तेरी हुई। क्या बात है भैये, खुद का रहने का ठिकाना नहीं है और मंटुक जी को बुलाया जा रहा है। नमस्कार प्यारलाल। नमस्ते नमस्ते। लेकिन यहाँ मंटुक जी की नहीं पोते की तलाश है। ये लिस्ट कैसी है? पुरानी चीजों की लिस्ट है प्यारलाल जी। मतलब? मतलब कि मेरे हवेली में यहाँ मुझे जो भी चीज पुरानी दिखी, समझिए आउट। तुम्हारी हवेली में? मतलब तुम पोता घोषित हो गए? अरे कर दी ना छोटी बात। अरे कॉन्फिडेंस नाम की भी कोई चीज होती है प्यारेलाल जी। वैसे आप कितने पुराने हो इस हवेली में? मेरा क्या था, थोड़े में ज्यादा समझ लो। बेबी नेकर से लेके जांघिया और जांघिया से लेके लंगोट तक का पूरा सफर तय किया है मैंने, क्या समझे? यही कि आप पुराने आइटम हो। आइटम प्यारेलाल जी, लेकिन घबराइए मत, मेरे राज में यहाँ आप आराम से पड़े रहिए। आपके राज में यहाँ आराम से पड़े रहिए? कब तक? तब तक जब तक कि आपको रतौंधी, लकवा, कोड, पाइल जैसे गंदी घिनौनी बीमारी जकड़ ना ले। अपने सेहत का ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ, नमस्कार। रतौंधी, लकवा, कोड, पाइल, कैसा दिखूंगा? भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, ये चारों बलविंदर तो हवेली से ऐसे चिपक गए हैं जैसे चंदन में सांप। ये गुत्थी सुलझने की बजाय जलेबी की तरह उलझती जा रही है। इन चारों में से असली जायदाद का वारिस कौन है? जायदाद का असली वारिस मैं हूं, सिर्फ मैं। सुबह शाम रात दिन मामा जी का साया बना रहा, अपनी हर खुशी हर ख्वाहिश को मारकर सिर्फ उनकी खुशी देखी, सिर्फ इसलिए कि उनके जाने के बाद ये सब कुछ मेरा है। भैया जी यही तो होना था, और उन्होंने वसीयत भी बना दी थी, और उनके ड्राइवर का बेटा होने के नाते इतना हिस्सा मुझे भी मिल जाता तो मेरी भी जिंदगी अय्याशी से कट जाती। लेकिन ना जाने कहां से उनको ये बुढ़िया दिखी और कहानी ने उटन ले लिया। भैया जी बुढ़िया से याद आया, साहब जी तो अभी भी इस यकीन में जी रहे हैं कि जिस दिन जमुना देवी को होश आया तो वो उनको बता देगी कि उनका असली पोता कौन है, और अगर कहीं ऐसा हो गया तो आपके हाथ में झुंझुना भैया। ऐसा कभी नहीं होगा। रुको 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 रुको, आओ आओ माँ। ओए ओए, ये तो किसी राजा का महल नजर आता है। यही तो रहता आपका बेटा माँ। अच्छा आइए। कौन बेटा, किसका बेटा, जो देखो मुँह उठा के चला रहा है, कौन है बुढ़िया? ओए तमीज से बात कर। हाँ दौर फिट्टे मुँह तेरे। ओए मैं बल्लू की माँ हूँ। ये बल्लू कौन? बल्लू? अरे बलविंदर सिंह। बलविंदर? यहाँ चार चार बलविंदर है, किस बलविंदर की बात कर रहे हो तुम लोग? ओए चार हो या चालीस, हाँ। मैं तो अपने खून को पहचान ही लूंगी। माँ तो अपने खून को पहचान ही लेगी। चल माता जी आप सीढ़ियों क्यों खड़ी है, सीढ़ियाँ गंदी हो जाएंगी, अंदर गंद मचाइए ना, चलिए चलिए चलिए। तू कौन? अरे मैं बलविंदर का बचपन का दोस्त, उसका लंगोटिया यार। लंगोटी भाई, क्या चलेगा, ठंडा चलेगा गर्म चलेगा? नहीं नहीं मैं अभी आराम करूंगा। अच्छा अच्छा आराम करोगे, आराम। रिक्शे से आने की क्या जरूरत थी? अरे बुढ़िया को प्लेन में बैठने की आदत नहीं है ना। तो आदत बना, साले कहीं मरे कहीं भूत हो। इसको इसको जहां से रिसीव किया था वहीं छोड़ के आना, नहीं तो साले को तालाब में फेंक देना, नहीं तो साले तुझे गोली मारूंगा। साले वापस मत देखना मुड़ के। ये माता जी है, माता जी बहुत सम्मान से इज्जत के साथ लेके आओ। माता जी आप आओ, मैं साहब जी को खबर देता हूँ। साहब जी आइए 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 आइए। माता जी आइए प्लीज आइए। साहब जी, साहब जी माँ आई है। साहब अभी आएंगे यहाँ, आप रुको यहाँ पर जी। अच्छा चलो ए बुढ़िया, कौन हो तुम और इस महल के अंदर कैसे आई? ओए कंजरा, ओए इस उम्र में मैं तुझे बुढ़िया दिखाई देती हूँ हैं? ओए मेरे पुत्र ने सुन लिया ना तो तेरी खैर नहीं। पुत्र? कौन पुत्र? अरे भैया जी ये बलविंदर सिंह जी की माँ है। साहब जी ये सत श्री अकाल जी। नमस्कार, बलविंदर सिंह आपका बेटा है जी। जल्दी से बुलाइए मेरे पुत्र को, अब तो उसे देखे बिना एक पल भी नहीं रह जाता।
कलेजे के टुकड़े को दिल से लगाना चाहती हूँ। किस किस को गले लगाएंगी आप? यहाँ चार चार बलविंदर सिंह हैं। वीर जी, सबके नाम एक हो सकते हैं पर सबकी शक्लें तो एक नहीं हो सकती ना। आप बुलाइए तो सही, मैं पहचान लूंगी अपने लाल को। जाओ एक एक करके सबको बुलाओ। जी साहब जी। इनमें से तुम्हारा बेटा कौन है? नहीं। अरे लगता है मंटुक ने अपना काम कर दिया। माताजी, आप आ गई। पैरी पौना माताजी। कैसी हैं आप? मतलब ये तुम्हारी माँ है? नहीं। फिर तुमने इनके पांव क्यों छुए? ये वाला संस्कार तो मैंने इन्हीं के बेटे से सीखा है दादाजी। मगर इनका बेटा है कौन? भैया जी आप भी ना देखिए, यहाँ मैं भी मौजूद हूँ, ये दोनों भी यही हैं। बच्चा कौन? लुधियाने वाला बलविंदर सिंह, जिसका झूठ और फरेब और दिखावे का पर्दाफाश आज यहाँ भरी सभा में होने वाला है। एकी बोल रही है मेरे पुत्र के लिए कि कितने बल्लू ने थे। लीजिए आ गए। भेड़ के खाल में भेड़िया नहीं, खुला सांड। जिसने इस महल का वारिस बनने के लालच में मेरे भोले भाले दादाजी को भी धोखा दिया और अपनी सगी माँ को भी। सगी माँ, कितनी बुरी बात है। छी 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 छी, जो अब तक यहाँ खड़ी खड़ी थक गई होंगी। ओए, बुजुर्गों का इतना ही ख्याल है तो बुलाना मेरे पुत्र नू। वो है कित्थे और नजर क्यों नहीं आ रहा मेनू? अरे कमाल कर रही है आप, आपके आंखों के सामने तो खड़ा है आपका बलविंदर सिंह। जाइए और अपने पुत्र से मिल लीजिए। ओए जन्म जले, ओए किसका पुत्र, ओए किसकी माँ। ओए अगर ये मेरा पुत्र होता तो क्या मैं यहाँ खड़ी रहती? मैं जाकर उसे ऐसे गले ना लगाती। दादाजी ये झूठ बोल रही है, देखिए ना शक्लें भी मिलती है, यही इसकी माँ है। ओए ओए आगे आगे बढ़ता ना जा, तुझे कितनी बार कहा है कि चुप कर है? ओए बड़ों के सामने थोड़ा चुप रहना भी सीख। जब से देख रही हूँ बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। और मैंने कहा ना कि ये मेरा पुत्र नहीं है। ओए अगर ये मेरा पुत्र होता तो ये मेरा हाथ है ना, ये नीचे नहीं होता, ये ना इसके सर पे होता। स्टॉप इट, क्या चल रहा है सब? वो वीर जी आप गुस्सा मत करो, वो इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस मांटुक की है जो गलती से मुझे यहाँ ले आया। जाकर ना अच्छी तरह से उसके कान खींचती हूँ। तकलीफ के लिए माफी जी, चलती हूँ। दोनों के दोनों ड्रामेबाज। क्यों बे पटियाले वाले, बाजी पलट गई ना? तुमने सोचा था मेरी माँ मुझे पहचान लेगी और इस हवेली से मुझे तक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसका असली वारिस सिर्फ मैं हूँ। तेरा ये ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है। ये जूली जो लक्ष्मी बनकर इस हवेली तक पहुंची है, ये असल में तेरी खबरी है और इसके वजह से ही तू यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन एक बात याद रखना लुधियाने वाले, कि तेरी कुंडली में ना दौलत है ना शोहरत है, क्योंकि इन दोनों पर मेरा नाम है। ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा, अभी भी टाइम है तेरे पास, निकल जा वरना ना घर का रहेगा और ना घाट का। तो तू भी लेटेस्ट मुहावरा सुन ले कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देख लेना बहुत जल्दी मेरे दादाजी यानी सेठ राय बहादुर तुझे खुद लात मार कर इस हवेली से बाहर निकालेंगे, और ये मेरा वादा रहा। एक्सक्यूज मी मिस्टर बलविंदर सिंह। लक्ष्य मी यू जी मैं। हाँ तुमसे कह रही हूँ, प्लीज आओ ना, कुछ काम है। अभी आया जी। कितनी फुद्दू किस्मत ना तेरी, ना साली जुली मिली और ना लक्ष्मी, बस इधर ही मेहनत करता रहा कर। चलिए जी। इन दोनों की लव स्टोरी पर मैं दी एंड का बोर्ड नहीं लगा दिया ना तो मेरा नाम भी बलविंदर सिंह पटियाले वाले नहीं। अरे भैया जी, भैया जी, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए हम आप ही का साथ देंगे। भैया जी वो देखो कैसा देवदास बना हुआ 3/6 की फिराक में। प्लानिंग, इसे अभी नीचे धक्का दे दो। नहीं नहीं नहीं, इसकी क्लास लेते हैं, आइए भैया। 4-5 क्या भैये, बड़े सुस्त बैठे बैठे क्या कोठी के खंभों की गिनती कर रहे हो? अरे प्यारे लाल जी। जी भैया जी प्रणाम। प्रणाम।
नहीं, मैं बस यही सोच रहा था कि क्या आदमी के शक्ल से उसके कैरेक्टर का पता चल सकता है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अब तुम्हें देख लो, एक नंबर की उठाई गिरे, चोर उचक्के फ्रॉड लगते हो, लेकिन हो तो नहीं। बिल्कुल करेक्ट, एकदम करेक्ट। अब आदमी शक्ल से कितना ही कुत्ता कमीना हराम ज्यादा लगे, लेकिन अंदर कितना नेक कितना शरीफ है, इसका पता कैसे चले? अब उस बनारसी सिल्क को ही देख लो। बनारसी सिल्क? अरे अपनी लक्ष्मी, हाँ, शराफत की साड़ी पहने सती सावित्री की इमेज बनाए तितली की तरह घूमते रहती है हवेली में, लेकिन उसकी असलियत क्या है? क्या है? एक नंबर की चालबाज मैडम एक्स। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप आपके सर की कसम, मेरे सर की कसम मत खाना। ठीक है ठीक है, आप खुद जाकर, भाजी खुद जाकर देख लीजिए रुस्तम जी की कॉलोनी में क्या जलवे हैं इसके। अरे मिनी स्कर्ट टैंक टॉप, यहाँ लक्ष्मी तो वहाँ जूली, हाँ यहाँ सीता तो वहाँ गीता, यहाँ मैं तुलसी तेरे आंगन की, वहाँ राम तेरी गंगा मैली, वहाँ हम साथ साथ हैं, और यहाँ हम आपके हैं कौन? क्या बात कर रहे हो? अरे भैया जी आप यकीन कीजिए, ये लक्ष्मी और ये हमारे बलविंदर सिंह लुधियाने वाले की मिली भगत चल रही है, उसका पूरा सपोर्ट है, वही चाहती है कि ये बन जाए इस हवेली का अकेला वारिस, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अरे मेरे दादाजी, मेरी हवेली, वो क्यों मजे ले? ये लक्ष्मी चाहे जितनी आरती उतार ले उस लुधियाने वाले की, लेकिन उसका हवन तो मैं ही करूंगा भैया जी, देख लेना। चलता हूँ, प्रणाम। भैया जी क्या बोल रहा था ये, क्या सचमुच ये लक्ष्मी? झूठ बोलता है साला। अरे वो लुधियाना वाला तो शक्ल से ही फुद्दू लगता है, असली करू पांडे तो ये है, अपना सिक्का जमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये तुम लोग जो नमक खा रहे हो ना टाटा, वो टाटा जब मुंबई आया ना तो सबसे पहले टैक्सी में मैं उसको लेके आया था, और बिरला को मेरा बाप। वाह सुनो। कौन मैं? हाँ तुम। क्या बात है, अरे वाह वाह जगह सा। इस बस्ती में लक्ष्मी नाम की कोई लड़की रहती है? लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सब मंदिर में भाई, यह अंग्रेजों के टाइम की बस्ती है, इधर सूजी मारिया लीली मिलेगी। कौन चाहिए बोलो? हेलो लक्ष्मी, ये अपने बस्ती की जूली है भाई, जूली जे से, लक्ष्मी तो एल से। रंगीला अचानक बल्लू कहाँ चला गया? अरे बल्लू बर्ड हो गया, अभी वो बस्ती में कभी नहीं दिखेगा। क्यों? अरे वो फेमस हो गया, फेमस। अरे वो जहाँ है ना वहाँ तेरे जैसी 26 जूलियाँ उसके आगे पीछे घूम रही है। बल्लू को छोड़, सल्लू को पकड़ जा। बल्लू मुझे भूल नहीं सकता। कमाल लड़की है, समझती नहीं है, बल्लू बल्लू कर रही है, इसको मालूम नहीं है बल्लू क्या हो गया है। ये बल्लू कौन है? बल्लू कौन है? अभी लक्ष्मी लक्ष्मी कर रहा था, अभी बल्लू, ये क्या इंक्वायरी काउंटर है क्या भाई? जा भाई रिवर्स गियर निकाल, जा चल। बल्लू कौन है? गाड़ी रखता है, गूगल नहीं देखता है। हेलो सर, आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। जी स्पेशल ऑफर हमारे लिए? आज सूरज कहाँ से निकल आया? जी बताइए बताइए। आपको हमारी तरफ से 7 दिन का 5 स्टार होटल का स्टे फ्री दिया जा रहा है। 7 दिन का पैकेज हमारे लिए फ्री? जी अरे अब तक कहाँ थे आप? बताइए, पूरे हिंदुस्तान में 7 दिन के लिए कहीं भी फ्री जा सकता हूँ? यहाँ भाई भाई के लिए मुफ्त में 1 रुपया भी नहीं देता है, और हमारे लिए आप इतना बड़ा ऑफर दे रहे हैं। सर उसके लिए हमें क्या करना होगा? सर आपको हमारा लाइफ मेंबर बनना होगा। जी बन गया सर। आपको एक मामूली सी रकम भरनी होगी। जी 1.5 लाख रुपए। भर दिए सर। 1.5 लाख? भौनक तेरी माँ का नाका, साले टोपी पहनाने के लिए प्यारे लाल बच्चे थे क्या? साले कहीं मरे कहीं भूत हो, साले दोबारा फोन किया तो फोन के अंदर घुस के मारूंगा। भैया जी सारे महल के चक्कर लगा लिए, सुबह से आपका पता नहीं, कहाँ थे आप? उसी करु पांडे के बोलने पर उसकी बस्ती गया था, बात बड़ी पते की कही है उसने प्यारे। लक्ष्मी के 2 रूप हैं, एक यहां सती सावित्री और दूसरी वहां छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली सेक्सी जूली। भैया जी क्या कह रहे हो, छोटे छोटे कपड़ों में लक्ष्मी, एक बार उन छोटे छोटे कपड़ों में दर्शन कर लूं तो मैं चैन से मर पाऊंगा, नहीं मेरा मतलब चैन से जी पाऊंगा। जूली जूली, लक्ष्मी मैडम, भैया जी बुला रहे हैं।
कैसी हो जूली? जूली? कौन जूली? बल्लू को बुलाऊं, वही बताएगा कौन जूली। बल्लू? कौन बल्लू? भैया जी को प्रणाम और प्यारे को प्यार। ये जूली जी, मेरा मतलब लक्ष्मी जी, आपने जो काम दिया था ना जी, वो मैंने कर दिया जी। देखा भैया जी, वो करू पांडे सही कह रहा था, इसका मतलब सिटिंग है। मुझे कुछ काम है, राय साहब ने बुलाया है, मैं चलती हूँ। ओ लक्ष्मी जूली जी, अब मेरी गल तो सुनो। इसका मतलब मेरा शक सही निकला, तू ही वो बल्लू है। ओ तुहानू भी मेरा नाम पता जी, बल्लू? बल्लू फेमस हो गया जी। हैं, मगर अफसोस वो तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई यार। इसी बात का तो रोना जी, पूरी बस्ती में बल्लू बल्लू कह के लहराती थी। जरूर उस पटियाले वाले ने कोई मंत्र फेरा जी मेरी जूली पे, पर आपकी कसम। की होया जी? कसम उतार रहा हूं मैं। अरे चलो मेरी कसम जी, उस पटियाले वाले का वो हाल करूंगा कि पूरी गंजी पुश्ते पैदा होंगी जी। हेलो, क्या जमुना को होश आ गया? वक्त ने मेरे चेहरे को इतना भी नहीं बदला कि तुम मुझे पहचान ही ना सको जमुना। मैं वही बदनसीब हूं जिसके साथ 3 बार तुम्हारा सामना हुआ और हर मुलाकात में तुमने मेरी जिंदगी में तूफान लाकर खड़ा कर दिया। पहली मुलाकात वो सड़क दुर्घटना जहां मैं अपने बेटे और बहू की मौत से जूझ रहा था, तुम आई और मेरे पोते को लेकर भाग गई। दूसरी बार मैंने तुम्हें इस शहर में देखा, तुमने मुझे देखा, तुम भागी और उस हादसे ने तुम्हें एक जिंदा लाश बनाकर हॉस्पिटल के एक बिस्तर पर लेटा दिया और मुझे बर्दाश्त की सूली पर। और तीसरी मुलाकात आज यहां, जहां तुम मेरे सामने इस व्हीलचेयर पर बैठी हो। मैं चाहूं तो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के लिए, तुम्हारे जुर्म के लिए, जिंदगी भर के लिए तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे घेर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूं, सिर्फ एक मौका अपने पापों के प्रायश्चित करने के लिए। रणवीर, उन चारों को लेकर आओ। जल्दी चलो चारों पोतों, तुम सबकी अम्मा आई हैं तुम सबको दूध पिलाने, मेरा मतलब दूध का दूध, पानी का पानी करने। चलो। माँ, 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 तुम ठीक हो? माँ, माँ, क्या हुआ? माँ, माँ, वागीर तो बहुत शुक्र है तू कोमा से बाहर आई। माँ, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। माँ, 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 मेरी प्यारी माँ। Enough! ये क्या तमाशा मचा रखा है? मुझे बताओ, इनमें से मेरा पोता कौन है? ये है, ये है, ये है या ये है? किसकी माँ हो तुम? किस बलविंदर सिंह को पाला है तुमने? कौन? कौन बलविंदर सिंह? किसको पाला है मैंने? मैं आपको नहीं जानती। देखो जमुना, इससे पहले कि मेरे बर्दाश्त का बांध टूट जाए और मैं कुछ कर बैठूं, बताओ इनमें से मेरा पोता कौन है? बताओ वरना मैं एक मिनट राय साहब, एक मिनट, शायद ये औरत गलत नहीं कह रही है। ए डॉक्टर, दिमाग तो सही है ना तुम्हारा, कहना क्या चाहते हो तुम? यही, इस बेचारी को होश तो आ गया है, लेकिन उस हादसे के बाद शायद ये अपनी यादें खो चुकी है। What? ये है यहाँ के बादशाह राय बहादुर सोडी, यानी कि मेरे दादाजी, और मेरे दादाजी को घेरा हुआ है इनके दो प्यादों ने, रणबीर सिंह और प्यारेलाल, और ऊपर से ये 3 कपटी बलविंदर सिंह आ गए इस महल में मेरा हक छीनने। ओए कपटी, किसको बोला बे? कपटी किसको बोला? चालू चिरकुट छोटी सोच का लिमिटेड आदमी, अरे ये पाप है पाप। क्या कह रहे हो पाजी, भला शतरंज खेलना भी कोई पाप होता है? अरे मैं शतरंज की बात नहीं कर रहा था, दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलना भी पाप होता है धरती के बोझ। तेरी अपनी माँ होते हुए तू मेरी माँ को लिपट लिपट के माँ माँ क्यों कर रहा था बे? पाजी ये तो संस्कार है, संस्कार। बचपन से ही हमें लुधियाने में सिखाया गया था कि किसी भी बुजुर्ग और की तरफ देखो तो उसको अपनी माँ की तरह पूजो। ओ पाजी मैंने छोड़ो, आप उन कपनियों को तो देखो, वो भी तो मामा कह के चिपट रहे थे। अरे उन दोनों कमीनों को तो मैं यूं आड़े हाथ लूंगा, यूं आड़े हाथ। और याद रखना कि उस बुढ़िया का एक ही बेटा है और उसका नाम है बलविंदर सिंह पटियाले वाला। बुढ़िया नहीं पाजी, माँ।
हाँ हाँ वो मेरी माँ है, मैं उसे बुढ़िया कहूँ या गुड़िया कहूँ। लेकिन पाजी बुढ़िया की यादाश्त तो वापस आने दो, तभी तो पता चलेगा कि उसका असली बेटा कौन है। कर दी ना छोटी बात। अरे इसलिए तो अब तक मैं चुप हूँ, वरना कब का तुम तीनों का राशन पानी इस घर से बंद करवा देता। और पाजी सेहत के लिए इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, आप उन बहरूप की चिंता करो, वरना वो भी अड़चन पैदा कर सकते हैं। हाँ हाँ मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बेटल ध्याने वाले, कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे उस बुढ़िया की यादाश्त कभी वापस ना आए। सुनो क्या नाम है दोबारा? खैर जो भी है, इतना तो मुझे पता चल गया कि वो बुढ़िया तुम्हारी माँ नहीं है। तो कौन सी वो बुढ़िया तुम्हारी सगी माँ लगती है? हाँ वो तो है। और बचे वो दोनों, वो एक वो लुधियाने वाला और दूसरा वो पटियाले वाला, वो तो साले दोनों ही मुझे शक्ल से चोर लगते हैं। यार बात तो सही है, चोर तो वो लगते हैं, लेकिन दोनों में से कोई ना कोई तो असली वाला होगा। भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, अपना लोटा बक्सा बोरिया बिस्तर समेटो, अब आप ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हो भैया जी। क्या बकवास कर रहा है प्यारे, साफ साफ बता बात क्या है। साफ साफ बात यह है कि साहब जी चाहते हैं कि जमुना देवी का इलाज बड़े से बड़ा डॉक्टर करे, ताकि बुढ़िया की याददाश्त जल्दी से जल्दी वापस आए। ये तो एक ना एक दिन होना ही था प्यारे, उस बुढ़िया की याददाश्त वापस लाने के लिए मामा जी पैसा पानी की तरह बहा सकते हैं। सारी मुसीबत की जड़ ये बुढ़िया है, ना ही ये बुढ़िया साहब जी को दिखती और ना ही साहब जी पोता पोता की वोमिटिंग करते हैं। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं तो कहीं भी रूखी सूखी खा के अपनी गुजर बसर कर लूंगा। मुझे चिंता तो आपकी है कि आपने सब कुछ हड़पने के लिए कितना पसीना बहाया है। तुझे क्या लगता है प्यारे कि हम खून नहीं बहा सकते? क्या मतलब भैया जी? मतलब ये कि इससे पहले कि उस बुढ़िया की याददाश्त लौटाए, हम उसकी जुबान हमेशा के लिए बंद कर देंगे और ये काम हम आज रात करेंगे। नहीं भैया जी, पकड़े जाएंगे। नहीं प्यारे, हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। Excuse me. Yes. ये मर भुके, कभी लड़की देखी नहीं क्या? देखी है ना, मगर ऐसे साइज की लड़की कभी नहीं देखी। अफ्रीका में भी यही प्रॉब्लम है, हमारी दीदी के साइज का कोई लड़का ही आज तक नहीं मिला। दीदी अभी तक कुंवारी है। हो 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 हो, तो कहिए ना, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देखिए हम अपनी बहन जमुना से मिलना चाहते हैं। वो जमुना जिसकी याददाश्त चले गई है? हाँ। वैसे वो आप लोगों की लगती कौन है? अब लगता है तेरी भी याददाश्त चली गई है। ये तेरे कान में छेद नहीं है क्या? दीदी ने भी तो बोला कि हम अपनी बहन से मिलने आए हैं। ओ, वो आप दोनों की बहन है? नहीं तो क्या, तुम्हारी है? नहीं नहीं, वो क्या है ना, दोनों की शक्ल सूरत एक जैसी। शक्ल यहाँ नहीं, यहाँ होती है। यहाँ। ए, सुन कलमू है, दीदा फाड़ कैसे ना देख। 11 साल की थी ना जब हमारा झगड़ा हुआ था, तब से ये रूठ के अफ्रीका चली गई और मैं अमेरिका चली गई। अमेरिका अफ्रीका दोनों अलग अलग? अलग अलग होंगे ना, बहन हमारी, झगड़ा हमारा, रूठ कहाँ जाते, ये तुझसे पूछ के डिसाइड करते क्या? Look dear, हमारे पास वक्त बहुत कम है, अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है, क्या हम प्लीज अपनी बहन जमुना से मिल सकते हैं? प्लीज। वो क्या है ना मैडम, विजिटिंग और खत्म हो चुका है। ये बगैर लिए दिए नहीं मानेगा, भ्रष्टाचारी। डॉलर, सेवंथ फ्लोर रूम नंबर 702 लिफ्ट सामने है। सिस्टर, इन दोनों को जमुना देवी से मिला दो। चल।
हाय हेलो, बड़ी खेली खाई लगती हो। वैसे रात को ड्यूटी करना अच्छा लगता है, मतलब मेरा मतलब नाइट शिफ्ट। जी अब काम है तो नाइट क्या और डे क्या। ओए ओए ओए, सो स्वीट ऑफ यू, तब तो बहुत अच्छा लगता होगा। आप दूर से बात नहीं कर सकती हैं क्या? खड़ी खड़ी चिपकती रहती हैं। गुगुरली, आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है। आपका कोई भाई है? उसका नाम बलविंदर सिंह है। नहीं नहीं, मैं तो अकेली आई इस दुनिया में, कोई कोई भाई नहीं है और कोई बहन भी नहीं है। वैसे यहाँ काम करते हुए रिश्ते तो सबसे अच्छे हो गए होंगे। कैसी है जमुना देवी जी की हालत? जमुना देवी जी की हालत जैसी है वैसे तो वो क्या हुआ जमुना देवी को? कुछ हुआ नहीं है उनको। जैसे उनकी हालत है वैसे उनकी याददाश्त कभी भी वापस आ सकती है। बस मैं तो डरी। सेवेंथ फ्लोर, लेट्स गो। जी भैया जी, ये बलविंदर सिंह जी ने, मानो चाहे मानो। एक सेकंड, मुझे एक बात बताइए, जमुना देवी जी से इतनी रात को आपको क्या काम है? आपसे मतलब? अरे हमी से तो मतलब है, हमी तो है जमुना देवी जी की पर्सनल नर्स। राय साहब ने खास हमें उनकी देखभाल के लिए ही तो रखा है। आखिर एक वही तो है बेचारी जो जानती है कि राय साहब की करोड़ों का वारिस कौन है। मैं मानता हूँ कि राय साहब को जमुना देवी की बहुत ज्यादा फिक्र है। लक्ष्मी, हम उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। लक्ष्मी, एक डॉक्टर को उससे भी ज्यादा फिलहाल मैंने सर, सर, there is an emergency in room number 21. लक्ष्मी, मैं 5 मिनट में आता हूँ, प्लीज वेट फॉर मी। ठीक है। मर्डर इन द हॉस्पिटल। आजकल क्राइम कितना बढ़ गया है, लोग पेशेंट्स को भी नहीं छोड़ते। भैया जी, ये तो जैसे गोंद की तरह चिपक गई है, आगे कुआं पीछे खाई, कोई तो रास्ता निकालो मेरे भाई। इतनी जल्दी क्या रास्ता निकाला मेरे भाई? और क्या करता? हाँ भाई, मैं बोल रहा हूँ, आजकल डॉलर का क्या भाव चल रहा है? हेलो, कहिए क्या काम है आपको? मैं जैसी करवालो अपनी बड़ी बहन से मिलने आई हूँ। मैडम, रात के 2 बजे आप अपनी कौन सी बहन से मिलने आई हैं? जमुना देवी, मेरी बड़ी बहन। जमुना देवी, आप भी उनकी बहन है? कोई डाउट? क्यों नहीं होगा मैडम, इतने दिनों से इस हॉस्पिटल में राय साहब और उनके सेक्रेटरी के अलावा कोई भी उनसे मिलने नहीं आया, और आज इतनी सारी बहनें, कोई अमेरिका से, कोई अफ्रीका से, और आप? मैं गोवा से। वहां दरिया किनारे मेरा बहुत खूबसूरत बंगलो है, लॉजिंग बोर्डिंग फ्री सिर्फ तुम्हारे लिए, बहुत मजा आएगा। 700 दो। मैं 700 क्यों दूं? इस पीस को देखने के लिए तुम 700 दो मुझे? नहीं नहीं मैडम, मेरा मतलब है 7th फ्लोर, रूम नंबर 702। ओह, 702, 700 दो। राइट राइट राइट, नॉटी, रात के 2 बजे मजाक कर रहा है मेरे साथ। सिस्टर, अंदर उनका ऑपरेशन चल रहा है, आप यहाँ वेट कीजिए। मम्मी, बोर हो रहा हूँ। अंदर तेरे पापा का ऑपरेशन चल रहा है और तू बोर हो रहा है? अंदर देखने भी तो देते नहीं ना डॉक्टर अंकल, कम से कम टाइम पास तो हो जाता। क्या? अच्छा चलो, टाइम पास नहीं करता, बॉल ही दिला दो। 2:30 बज रहे हैं और तुझे बॉल चाहिए? तो बॉल ही तो मांग रहा ना, स्टेडियम थोड़ी। देख तो चुप कर, बहुत पिटेगा मुझसे। आजकल के बच्चे। हेलो, 702, 702, बच्चा मम्मा कॉरिडोर, 702 भी वहीं होगा। जमुना देवी, मैं आई। जमुना देवी, बॉल बॉल, बल्लू का बॉल। देना देता के दूसरा निकाल के फेंको तेरे ऊपर। बहन जी, क्या हुआ? सीने में दर्द हो रहा है क्या? अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ। डॉक्टर, 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 देखिए उनको क्या हो गया, क्या हो गया उनको, डॉक्टर।
हेलो हाय संतरे एक संतरा अरे मेरे एक संतरा कहाँ गया हेलो रुको ओ हेलो इंस्पेक्टर लाडके एक मिनट मैडम यस इंस्पेक्टर क्या लगा हम पहचाने के नहीं इंस्पेक्टर लाडके नाम है मेरा मेरी हार्ड डिस्क बहुत पावरफुल है इंप्रेशन एक बार छप गया ना तो निकलता नहीं लेकिन थोड़ा टाइम जा रहा है पक्का माहिती है अपन कुठे तरी भेटलोय आप भूल रहे हो हम मिले हैं आप भूल गए किधर भाभी जी की बर्थडे पार्टी पे ओ, ओ हाँ खाना इतना टेस्टी था आज भी वो और कहते हैं ना फिंगर्स पे खुशबू आ रही है है ना खाना बहुत अच्छा था ना कमाल कमाल फैंटास्टिक मगर इतनी रात आप इधर इंस्पेक्टर साहब वो हाल ही में पार्टी में गई थी तो वहाँ खाना इतना थर्ड क्लास उफ टेरिबल उसके बाद वो स्टमक अपसेट हो गया फिर बुखार ऊपर से डकार पीछे से पुकार यस यस आई कैन अंडरस्टैंड लेकिन आपको भी अपना लेवल तक के पार्टी में जाना चाहिए ना करेक्ट करेक्ट वैसे आप इंस्पेक्टर साहब यहाँ इतने लेट क्या कर रहे हैं मैडम हम पुलिस वाले हैं क्या रात और क्या दिन है oh, हमको यहाँ आना ही पड़ता है लड़का लड़की प्यार करते अच्छा? फिर धोखा हो जाता है जहर खा लेते oh और जहर अगर असली नहीं निकला तो हमारा काम बढ़ जाता है स्टेटमेंट लेने आया हूँ जो बच गया उसका तो आप स्टेटमेंट लीजिए मैं स्ट्रेट यहाँ से निकल जाती हूँ ओके ओके बाय बाय एक मिनट मैडम हमारा मुलाकात का वक्त नजदीक आ रहा है हमें फिर से मिलना होगा क्यों वाइफ का बर्थडे है ना ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स नट कटिंग इट जय हिंद जय महाराष्ट्र बाय बाय यार ये भाभी कौन है और किसकी पार्टी होती है ये पहले ढूंढना होगा सासो दो चलो चलो चल प्यारे रिवॉल्वर निकाल ये रहा और मार दे अबे ये तो साइलेंसर है रिवॉल्वर दे भैया जी ये गेटअप चेंज करने के चक्कर में भैया वो पतलून में छूट गया अबे हम क्या बारात में आए इसे मारूंगा कैसे इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है भैया जी इस बुढ़िया को गोली खर्च करने की क्या जरूरत सीधा तकिया उठाओ टेटुआ दबाओ किस्सा खत्म ये पकड़ दीदी स्वीटी दीदी आप सो तो नहीं रही है ना देखो कौन आया है वाह भाई वाह जमुना देवी बड़ी शांति से सो रही हैं आप मेरी नींदें उड़ा के बड़ी मुश्किल से एक चांस मिला था लाइफ एंजॉय करने का लेकिन अब तो हर वक्त यही टेंशन रहती है कि कब आपकी याददाश्त वापस आ जाए और मेरे किए कराए पर पानी फिर जाए ये बहन कहाँ से आ गई ये बहन नहीं भाई है भाई वही करूँ पांडे अब आपकी याददाश्त लौटेगी नहीं सोच के हाथ पे हाथ धरे बैठ तो नहीं सकती थी ना तो आपके लिए मैंने बहुत स्पेशल प्लान बनाया है हरिद्वार ले जाने का हरिद्वार भैया जी हरिद्वार क्यों अब मुझे क्या पता वहाँ आप किसी को नहीं जानती आपको कोई नहीं जानता ये जो बाकी के बचे कुछ दिन हैं आपके वो भगवान के चरणों में ही व्यतीत कर देना तो चलिए जमुना देवी जी ट्रेन छूट न जाए हरिद्वार आपका इंतजार कर रहा है आइए आइए आइए
आपको हम ट्रेन तक तो छोड़ ही देंगे। उठिए उठिए। Very good. ये बैठ गई। क्या बच गया ये? बाथरूम। जमुना देवी कहाँ गई? कमीनी को इसी वक्त संतरा लेके भागना था, आधा मर्द आधा जनाना बना दिया। चलिए चलिए। ओए ओए ओए, कितने लेके भाग रहे हो? क्यों, हमारी बहन को नाइट वॉक पे ले जाने से तुम्हारी तबीयत खराब होती है क्या? बहन बहन, अब फिर तुम ये कहोगे कि हमारी शक्ल सूरत मैच नहीं करती? और करेगी भी कैसे, ये अफ्रीका से मैं अमेरिका से हूँ, पर तुझे इससे क्या? मैं इसकी परजाई हूँ। परजाई? ये परजाई कहाँ से पैदा हो गई? परजाई कहाँ से पैदा हो गई? क्यों, अमेरिका अफ्रीका से बहने हो सकती है तो लुधियाना से परजाई नहीं हो सकती? Oh my God, आप लोग अब तक हॉस्पिटल में क्या कर रही हैं? आप लोग तो जमुना जी से मिलने आए थे ना सिर्फ, फिर अब तक क्या कर रही हैं आप? सॉरी, वो बहन को देख के थोड़ा प्यार बढ़ गया। अच्छा, बहन को देख के प्यार बढ़ गया था आपका? कोई प्यार व्यार नहीं बढ़ा था। आपकी बहन की हालत देखिए, देखिए इनका ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रेशर, कॉम्प्रेसर, सब कुछ बढ़ा हुआ है। आप ऐसा मुझसे पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी मैं? हाँ सॉरी सिस्टर, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन मैं आपको सॉरी नहीं बोलूंगी जी, मैं तो आपको थैंक यू बोलूंगी कि आपने मेरी ननद का बहुत ख्याल रखा, और आज के बाद मैं ख्याल रखूंगी। हटो पीछे, हटो हटो। गुस्से में तो तू बहुत खिली खिली लगती है, कौन सी चक्की का पीसा खाती है तू? ओह शट अप जमुना देवी जी। सॉरी माता जी। भैया जी, इस गोरी चमड़ी दरियाई घोड़ी ने अपने प्लान की ऐसी की तैसी कर दी। हमें क्या मरीज को मेडिसिन देनी है, उसे स्पंज करना है। सो सिस्टर प्लीज आप इनको लेकर मेरे साथ आइए। डॉक्टर एक्सक्यूज मी, फॉलो मी सिस्टर। डॉक्टर इनकी तो आपको क्या लगा सिचुएशन बहुत इजी है? पिक्चर अभी बाकी है मेरे डोले वाले डॉक्टर और मेरी सेक्सी सिस्टर। पिक्चर? Excuse me, baby. No, baby. Didi. Didi. Meri pyari Didi. Oi, oi, oi. Tu yahan ghum rahi hai aur main tujhe pure hospital mein dhoond rahi hu. Mera santra de. Are, tere santre ka to maine seene se laga ke rakha hai. Are, wah. Size mera aur tu unhe guza ke rakha hai. Excuse me. What's happening here? बात हम दोनों की है, तुम्हें क्या लेना है डियर? ओह एक्सक्यूज मी, आई एम अ डॉक्टर। डॉक्टर, प्लीज लिसन टू मी। जमुना देवी यहाँ? अरे ये सब लोग कौन है? पता नहीं। सिक्योरिटी, कैच देम। अरे लड़की का बोलो भाई। अरे मेरा संतरा दे। अरे संतरे छोड़ मुझे। पूछे यार। अरे भैंसा छोड़, ये मेरा छोड़ छोड़ भाई, छोड़ छोड़। यहाँ सब क्या हो रहा है और आप लोग हो कौन और जमुना देवी कहाँ है? देवी दरवाजा बंद कर, चल 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 चल। अरे रुक जाओ, अरे रुको, अरे रुको, अरे भैया जी, लगता है राहु केतु शनि मंगल सब एक साथ अपना फेवर कर रहे हैं। अरे जल्दी चलाओ यार, चमड़ा देवी गिर गई। यार ये क्या, वो तो गाड़ी के साथ निकल पड़ी। अरे
प्यारे। जी भैया जी। क्या इस जमुना की कोई जुड़वा बहन है? क्यों, क्या हुआ भैया जी? हमारा पीछा कर रही है। पीछा कर रही है? अरे रोको यार गाड़ी। अरे रुक जा। भैया जी साइकिल वाले भी हमारा पीछा कर रहे हैं। रोक गाड़ी। अरे रोको। रोक रोक रे। बाहर का बंद ले मुसम्मी। अबे तेरी तो। रुक प्यारे। हाँ। कोई अच्छी सी जगह देख। जी भैया जी। जहाँ हम इस बुढ़िया का फाइनल डी एंड कर सके। जी भैया जी। अब तो पकड़ना पड़ेगा। ए हट हट। भागो भागो। नीचे आओ। इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा धोखा, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो पिछले 25 सालों से अपनी किस्मत के हाथों लाचार है, बेबस है। ये तो गैर है, इस लायक नहीं कि मेरी तड़प को समझ पाता। लेकिन रणवीर तुम तो मेरे अपने थे। दादाजी खामोश। जो किसी ने हमें दादाजी कहने की जुर्रत की तो भेष बदल कर इंसान के रूप में भेड़िया लग रहे हो तुम सबके सब। मेरी आखिरी उम्मीद को भी नोचने झपटने चले थे तुम। कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ है जमुना? जमुना, जमुना तुम ठीक हो ना? मेरा बल्लू, मेरा बेटा। जमुना तुम्हारी यादाश्त वापस आ गई है, तुम्हारी यादाश्त वापस आ गई है जमुना। साहब, साहब आप मुझे मेरे पोते के पास ले चलो। मुझे बता दो कि मेरा पोता कहाँ है, प्लीज। साहब वो यहीं पे है, मैं आपको ले चलती हूँ। अरे यार आज भूख बहुत लगी है गोगी, आज खाना शाना नहीं खाना क्या है? और ये बल्लू किधर है? ओए पाजी आज बल्लू खुद ही अपना टिप्पण लेने गया सी। वाह यार, बोटी छोटी पूरा अरेंजमेंट है। अरे खुश कर देता मेरे शिरो। जमुना बहन इतनी रात? जमुना बहन तुसी इस समय? गोगी दो टिफिन और ऑर्डर करा। नमस्ते भाई साहब, ये बल्लू के दादाजी हैं, बल्लू को लेने आए हैं। बल्लू दे दादाजी? ओ जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ओए कमाल कर देता यार ये बल्लू, कभी जिक्र ही नहीं करता कि उसके दादाजी भी हैं। है? ये गड्डी तुहाड़ी है? नवी लगती है, स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं। बल्लू कहाँ है? चाचे नू याद करी। ओके जी। बल्लू बेबे बल्लू मेरे बच्चे मेरे लाल कैसा है तू? बेबी पहले तुसी दसो तुसी कितने सी और माथे पे ये कैसे? अरे अरे बेटा तुम परेशान मत हो। जमुना ये? हाँ साहब यही है आपका पोता। मुझे पता था एक दिन मेरा चीकू मुझे जरूर मिलेगा। मेरा चीकू, मेरा लाल, मेरा बच्चा। अरे एक, एक, एक मिनट पाजी, ना तो मैं कोई चीकू आना थे कोई संतरा, मैं बलविंदर सिंह सोडी। बलविंदर सिंह सोडी है तू? मेरा नटखट पिचकारी मारता हुआ पोता जो जिसकी गोद में बैठता था उसे गीला कर देता था। तेरे दादा को सब याद है बेटा, सब याद है तू। बेबी ए की
हाँ बेटा, ये राय बहादुर सोडी है तेरे दादाजी। पर तू मैनू कभी दसे नहीं, एक कहानी की है। अरे कहानी सुनेगा तो बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे मेरा पोता जवान चाहिए, मुझे मेरा बेटा मिलेगा। गाने लगा ले बेटा, मेरा बच्चा, मेरा चीकू, इतने साल बाद मुझे गले लगा ले, मेरा पोता है, मेरा लाल है। साले तेरी छाया इतनी मनहूस है, मुझे पता ही नहीं था, नहीं तो मुंबई से ऐसे मुंह छुपा के जाना नहीं पड़ता। अरे शनि, तो तू है कमीने, सारा बंदा काम बिगाड़ देता। अब मैं गांव वालों और अपनी बेबे को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या बेबे, गांव वाले, मेरा तो सब कुछ लूट चुका है यार। अरे लूट तो तूने मचा रखी है। ए, रुको। सलाम साहब। सलाम वालम बाद में, पहले ये बताओ इस लड़की को पहचानते हो? जूलिया जी। अरे नहीं नहीं, लक्ष्मी है, लक्ष्मी। जूलिया पक्का जूलिया, वही आंखें, वही उंगलियां, वही जूलिया, मेरी जूलिया। लक्ष्मी है, मैं बोल रहा हूँ लक्ष्मी। हां, कहां गई जो फोटो में थी? ना ये जूलिया, ना ये लक्ष्मी, ये है मैडम माया। मैडम माया? कौन से स्कूल में पढ़ाती है जी? अरे स्कूल में नहीं, अंडरवर्ल्ड से है। पाजी, अंडरगारमेंट सुने, अंडरवर्ल्ड की? अरे क्या बकवास कर रहा है सर जी, अंडरवर्ल्ड की माया क्या है ये चक्कर? नाम बदलकर अपने गैंग के लिए काम करती है। वैसे तुम दोनों ने इसको जूलिया और लक्ष्मी क्यों कहा? कोई कनेक्शन है क्या? इतनी अच्छी किस्मत हमारी कहाँ जी? इंस्पेक्टर साहब, मतलब हमारा इसका नहीं कोई वास्ता, अब हम चले अपना रास्ता। जाओ। थैंक यू जी। चल चल, कट ले। एक मिनट। यार तुमको मैंने कहीं तो देखा है, कहीं तो मिले हम लोग। कहाँ मिले? सपने में मिले होंगे। नहीं मतलब आपकी बीवी के शादी में मिले होंगे। तो तुम वही हो जी? चोर, चोर? सही कहा जी, साले एक नंबर का चोर है। क्या हाथ मारा पापड़ पे और रायते पे, बाकी लोगों के लिए बचा ही नहीं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बलविंदर सिंह। तुम्हारा? असली बलविंदर सिंह। वाह, दोनों का नाम है और काम? बच्ची फेमस होने आए थे जी। फेमस होने आए थे, क्या बात है। फिर ये बोरिया बिस्तर मांग के कहाँ जा रहे हो? पब्लिक डिमांड जी। पब्लिक डिमांड? अरे आप समझे नहीं, दूसरे शो का वक्त हो गया है, वरना हम तो झंडे गाड़ी देते। हाँ, पर अब के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सत श्री अकाल जी। चल भी। The
this girl so bad she made me good. Really wanna talk it, I wish she would. Come over here, Miss Beautiful. Let me tell you all the things I do to you. You're so right and I'm so wrong. Let me make it up to you like all night long. Now shake it, break it, work it, twerk it. Get on the dance floor, you deserve it. Now twerk, 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 twerk. Go on, work it, baby. Twerk, 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 twerk. Go on, work it, lady. ਬਣਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਾਰੂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੀਆਂਗੇ ਪਾਣੀ ਫੁੱਲ ਨਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੈਗ ਬਣਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਾਰੂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੀਆਂਗੇ ਪਾਣੀ ਫੁੱਲ ਨਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਣੀ 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 ਵਾਇਸ ਮਾ ਮਾਰੀ 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 ਲੈਟਸ ਗੋ ਪਾਣੀ 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 ਵਾਇਸ ਮਾ ਮਾਰੀ 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 ਲੈਟਸ ਗੋ ਪਾਣੀ 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 ਵਾਇਸ ਮਾ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ